चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की, भारत और समकालीन विश्व सेकंड के नाम से जो आपकी बुक्स है उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें आपके तीन चैप्टर खत्म कर चुके हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद, और तीसरा चैप्टर था भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखिए, वैसे तो आपके लिए एनसीईआरटी 6 से आपको 12th तक पढ़नी है, यानी कि 6 से 12वीं तक। अगर फिर भी आपके पास टाइम नहीं है तो आप 9 से 12 तो पढ़ ही ले। क्या करें, 9 से 12 तो पढ़ ही ले। मेरी सलाह यही है कि आप लोग 6वीं से पढ़ लें, क्योंकि ज्यादा जो 6 से 8 तक की बुक्स है ये बहुत ही पतली पतली बुक्स है और बहुत ही साधारण शब्दों में लिखी गई। अगर एक बार आप पढ़ते हैं तो तब भी समझ में आ जाएगा, और 2 बार पढ़ते हैं तब भी समझ में आ जाएगा। वैसे हम लोगों ने आपकी कवर करवा दी है, इसमें कोई वो नहीं है, और जो आपके लिए जरूरी है वो सभी टेलीग्राम पे भी डाल दी गई है, तो आप वहां जाकर देख लीजिए। और आपकी एनसीईआरटी की जितनी भी क्लास ली गई हैं वो सभी एनसीईआरटी पूर्ण कवरेज के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डली हुई है, ठीक है। तो हम लोग कक्षा 9वीं तक की सभी बुक्स कंप्लीट कर चुके हैं, कक्षा 10वीं की भी इसे मिलाकर 4 बुक्स कंप्लीट कर चुके होंगे, और लास्ट में आपकी विज्ञान बचती है तो उसे भी बात करेंगे, और फिर आपकी 11वीं और 12वीं की बुक्स बचती है उसे भी बात करेंगे। और कई लोग कमेंट करने लगते हैं कि वो, और मैसेज करते हैं कि क्लास नहीं आ रही है। याद रखिए, थोड़ा टाइम का एडजस्ट करिए, मुझे आप लोगों से ज्यादा टेंशन है करवाने की, क्योंकि मैंने जो कहा है आप लोगों से वादा किया है उसे मैं पूरा करूंगा हर हाल में। तो थोड़ा टाइम दे दिया करिएगा मुझे, जैसे ही मिलता है मुझे टाइम मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे औद्योगिक युग के बारे में, औद्योगिकरण का जो युग रहा है उसी के बारे में। ये हमारा चौथा चैप्टर है। और एक बात और आपको बताऊं, देखिए एक ही बात ही कहूंगा कि एनसीईआरटी का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी छोड़ के आप लोग कोई और बुक्स पढ़ें और आपका सिलेक्शन हो जाए। हो सकता है कि हो जाए, लेकिन मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लें। और एक बात रही कि आप लोग ज्यादा मटेरियल मत इकट्ठा किया करिएगा। जैसे आप लोगों को बताया मैंने, पॉलिटी में आप लोग बेहतर कर सकते हैं कि एनसीईआरटी प्लस एम लक्ष्मीकांत एक स्पेशल बुक हो गई और बाकी एनसीईआरटी हो गई, बस इतना काफी है। और रहा नोट्स का, तो आप जैसे ही 2 से 3 बार पढ़ेंगे एनसीईआरटी को, आपको खुद मालूम चल जाएगा कि आपको नोट्स में क्या लिखना है, क्योंकि आप जानते हैं नोट्स में वही लिखा जाता है जो हमें याद ना हो। अब आप सोचिए कि गांधी जी के बारे में हमें याद है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ याद है, तो याद वाले पॉइंटों को हम कभी नहीं नोट करते हैं। आप भी जानते हैं हम लोग उन उन पॉइंटों को उठाते हैं जो हमें याद ना हो, जिसमें या तो परेशानी हो कि लास्ट में हम रिवीजन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हीं को नोट्स को पढ़ जाए कि 2 से अगर 15 से 20 मिनट में एक पूरी हिस्ट्री कवर हो जाए रिवीजन के तौर पर। ऐसे नोट्स होने चाहिए। अगर आपको पूरी किताब ही छापनी है तो फिर उससे अच्छा है कि किताब ही पढ़िए आप लोग, नोट्स मत बनाइए। चलिए, तो इस चैप्टर को देखते हैं और बातें बाद में होती रहेंगी। ये पिक्चर्स आप देख रहे होंगे शायद, डॉन ऑफ द सेंचुरी, एटी पॉल म्यूजिक कंपनी, न्यूयॉर्क अमेरिका एवं इंग्लैंड में। 1900 की है, सन 1900 के करीब की है। एटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने सन 1900 में संगीत की एक किताब विकसित की थी, जिसकी जल्दी जिल्द पर दी गई तस्वीर में नई सदी के उदय, डॉन ऑफ द सेंचुरी का ऐलान किया गया था। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि तस्वीर के मध्य में एक देवी जैसी तस्वीर है, दिख रही ना आपको, देवी जैसी तस्वीर है। यह देवी हाथों में नई शताब्दी का ध्वज यानी कि झंडा लिए प्रगति का फरिश्ता दिखाई देती है, दिखा रहा है आपको। और उसका एक पांव पंखों वाले पहिए पर टिका हुआ है। यह पहिया समय का प्रतीक है, उसकी उड़ान भविष्य की ओर है, और उसके पीछे उन्नति के चिन्ह पैर तैर रहे हैं। रेलवे कैमरा मशीन, पेंटिंग, प्रेस कारखाना, ये आपको दिख रहा होगा ना पीछे, दिख रहा है यही प्राच। मशीन और तकनीक का यह महिमा मंडन एक अन्य तस्वीर में और भी ज्यादा साफ दिखाई देता है। यह तस्वीर एक व्यापारिक व्यापारिक पत्रिका के पन्नों पर 100 साल से भी पहले छपी थी। ये दिख रहा है आपको, देखिए इसकी बात की जा रही है। दो जादूगर, इनलैंड पेंटस में प्रकाशित 26 जनवरी 1901 की बात है। इस तस्वीर में दो जादूगर दिखाए गए हैं,
और ऊपर वाले हिस्से में प्राच इलाके का अलादीन है, जिसमें जिसने अपने जादुई चिराग को रगड़कर एक भव्य महल का निर्माण कर दिया है। और नीचे एक आधुनिक मैकेनिक है जो अपनी आधुनिक औजारों से एक नया जादू रच रहा है। वह पुल, पानी के जहाज, मीनार और गगनचुम्बी इमारतें बनाता है। अलादीन पूरब और अतीत का प्रतीक है, मैकेनिक पश्चिम और आधुनिकता का प्रतीक है। देख लीजिए एक बार अच्छे से, यहाँ एक आपका शब्द आया हुआ था, प्राच। भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश। आमतौर पर यह शब्द एशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पश्चिमी नजरिए से में प्राच्य इलाके पूर्व आधुनिक, पारंपरिक और रहस्यमय थे। और एक मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इसमें ऐसा कोई शब्द नहीं मिलेगा इन बुक्स में जो आपको समझ में ना आए। आप लोग बस एक से दो बार पढ़िए, मुझे लगता है पूरा समझ में सब कुछ आ जाता है। मुझे नहीं दिखता है कि कुछ ऐसा शब्द मिले इसमें कि जो आपको समझ में ना आ सके, क्योंकि अगर आप एक अच्छी लेवल पर पहुंच गए हैं तैयारी करने के बाद। देखिए सिविल सर्विस की तैयारी आप तभी करते हैं मुझे लगता है जब आप ठीक ठाक लेवल पर पहुंचते हैं, तो आपको सब कुछ आ जाता है। और एनसीईआरटी आपको मालूम होनी चाहिए कि कहीं किसी क्लास में नहीं पढ़ाई जाती, किसी भी कोचिंग में आप जाइए एनसीईआरटी कभी नहीं पढ़ाई जाती। आपसे बोल दिया जाता है कि आप लोग इस विषय की एनसीईआरटी पढ़ लें। ये तस्वीर आधुनिक विश्व की विजय गाथा कहती है। इस गाथा में आधुनिक विश्व दूत तकनीकी बदलावों व आविष्कारों, मशीनों व कारखानों, रेलवे और वास्तुपोतों की दुनिया के रूप में दर्शाया गया है। इसमें औद्योगिकरण का इतिहास विकास की कहानी के रूप में सामने आता है और आधुनिक युग तकनीकी प्रगति के भव्य युग के रूप में उभरता है। अभी छवियां और ये संबंध लोकमानस का हिस्सा बन चुके हैं। क्या आप भी तेज औद्योगिकरण को प्रगति व आधुनिकता के काल के रूप में नहीं देखते? क्या आपको नहीं लगता है कि रेलवे और फैक्ट्रियों का निर्माण, गगनचुम्बी इमारतों व पुलों का विस्तार समाज के विकास का द्योतक होता है? आप भी जानते हैं ये तो बात कि एक समय हम देखते थे कि आजकल हम लोग लोहे का भी उपयोग नहीं करते थे। हम एक समय में मतलब जैसे जैसे मानव ने प्रगति की है उसी तरह हम लोग आगे बढ़ते गए हैं, नई नई खोजें करते गए हैं। एक समय हम देखते थे कि झोपड़ियों में किस तरह से हम पहले जंगल में रहते थे, फिर हमने थोड़ा विकास किया, झोपड़ी बनाई, उसके बाद थोड़ा और विकास किया और विकास किया। आज आप देखिए कि आपको वीआईपी मकानों में रहने लगे, हम लोग वीआईपी सुविधा उठाने लगे। एक समय मैंने भी देखा है कि जो रेत हुआ करती थी, जिसे आप लोग सामान्य तौर पर बजरी के नाम से जानते हैं, इसका उपयोग नहीं हुआ करता था, ना के बराबर हुआ करता था, कोई नहीं जानता था। लेकिन आज आप देखिए कि आप देखेंगे कि कितनी महंगी हो चुकी है, कितना मतलब वो होने लगा है। तो ये बात रही, ये छवियां किस प्रकार विकसित हुई हैं, इन विचारों से हमारा क्या संबंध है? क्या औद्योगिकरण के लिए तीव्र तकनीक की विकास हमेशा जरूरी होता है? क्या आज भी तमाम तरह के कामों के दिनों दिन बढ़ते मशीनीकरण का गुणगान कर सकते हैं? औद्योगिकरण से लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा? ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए हमें औद्योगिकरण के इतिहास में को समझना पड़ेगा। आगे इसकी कहानी पूरी समझी जाएगी। और मुझे लगता है कि ये पूरी कहानी पता है आपको, एक कहानी का रूप दे दिया गया। और आप भी, मैं यही कहूंगा कि आप भी कहानी का रूप देकर ही पढ़ें तो मुझे लगता है बेहतर समझ में आएगा। अभी कोई बता रहा था कि औद्योगिकरण या फिर जो मशीनीकरण हुआ है इसका प्रभाव पड़ा है जिंदगी में, लेकिन हमने इसे नकारात्मक, कई जगह नकारात्मक दृष्टि से भी ले लिया है। कहा जाता है कि फोन आया किस लिए आया, कि आपको सहूलियत हो, आपको मतलब सहायता मिले इससे। लेकिन इसे हमने दुरुपयोग के नजरिए से देखा और आज हम देख रहे हैं कि टाइम बचाने की जगह टाइम खपा रहे हैं। एक समय आप देखते थे कि लोगों के पास इतना टाइम होता था कि जो निमंत्रण शादी का होता था वो देने जाते थे खुद पर्सनल। आज आप देख रहे हैं कि व्हाट्सएप, फेसबुक पर डाल दिया जाता है। और तो लोग भी यही कर रहे हैं कि उस तरफ से भी लोग आते नहीं है, समझ रहे हैं? तो आप सोचिए कि उस समय भी तो 24 घंटे होते थे, आज भी 24 घंटे होते हैं। मतलब तकनीकी ने कई जगह, मतलब एक तरह से आपके पास फोन है आज, आप सभी लोगों के पास, मैं यही आशा करता हूं। तो हो सकता है कि आप इसका यूजफुल बनाए या फिर अनयूजफुल, मतलब किसी और दुरुपयोग में इसका यूज करें। आप 24 घंटा फेसबुक चला सकते हैं, व्हाट्सएप चला सकते हैं, आप मस्ती कर सकते हैं, मतलब लगे कुछ भी कर सकते हैं। और एक आपके पास ऑप्शन है कि आप क्लासें सुनिए, आप किसी के लेक्चर सुन लीजिए। जब आप फ्री बैठे हैं, कभी लेटे हुए हैं, तो आप कोई लेक्चर लगा दीजिए, सुनते रहिए, मत देखिए। मैं कहता हूं कान में आवाज तो जानी चाहिए,
कभी आपको टाइम मिल रहा है राज्यसभा टीवी लगा दीजिए, कितनी अच्छी अच्छी क्लासें डली हुई है, कितने अच्छे आर्टिकल आपको बताए गए होंगे, कितना मटेरियल दिया गया है, कितने अच्छे से समझाया जाता है। उसमें आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, सामने स्क्रीन पर आपको केवल अपने कानों तक आवाज जाने देनी है। तो ये भी कर सकते हैं आप लोग, थोड़ा सोच लिया करिएगा। और फिर सुबह व्हाट्सएप क्या है, टाइम बर्बाद करने के सिवाय मुझे नहीं लगता है कि इस पर कुछ मिलता है। इस अध्याय में हम यही इतिहास पढ़ेंगे। यहाँ पर यहाँ हम दुनिया के पहले औद्योगिक राष्ट्र ब्रिटेन, उसके बाद भारत में औद्योगिकरण का अध्ययन करेंगे, जहां औद्योगिक बदलावों का पैटर्न उपनिवेशिक शासन से तय हो रहा है। एक बात और बताऊं, देखिए ब्रिटेन से ही सब कुछ शुरू हुआ, औद्योगिक क्रांति हो, फिर चाहे आपने राष्ट्र देखा हो राष्ट्रवाद, ये फ्रांस यानी कि यूरोपीय देशों से ही शुरू हुआ है, समझ रहे हैं। बात करते हैं औद्योगिक क्रांति से पहले औद्योगिकरण को अक्सर हम कारखानों के विकास के साथ ही जोड़कर देखते हैं। जब हम औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा असर फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन से होता है, और जब हम औद्योगिक मजदूरों की बात करते हैं तो भी हमारा आशय कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से ही होता है। औद्योगिकरण के इतिहास अक्सर प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से शुरू होता है, पर इस सोच में एक समस्या है। दरअसल इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले ही अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण उत्पादन होने लगा था, या उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकरण का नाम दे देते हैं। आप समझ रहे हैं, वही आदि काल, मानव काल, इस तरह से आदि औद्योगिकरण भी दे देते हैं। आदि का मतलब क्या होता है, किसी चीज की पहली या प्रारंभिक अवस्था का संकेत आदि कहलाता है, यानी कि कोई चीज शुरू हो रही है उसकी प्रारंभिक जो भी अवस्था है, या फिर पहली पहला बार किया जा रहा है तो उसे आदि यानी कि शुरुआत कह देते हैं, शुरुआत औद्योगिकरण का। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव की तरफ रुख करने लगे थे, वे किसानों कारीगरों को पैसा देते थे और उनसे अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीजों की मांग बढ़ने लगी थी। आप भी देखते हैं कि हमारे देश में भी आए हुए हैं और नील आपने देखा है उत्पादन करवाया गया, और भी आपने देखा है चाय बागान इस तरह के लगवाए थे, तो वो क्या किया करते थे कि यहाँ से खरीदा, उन्होंने अन्य बाजारों में बेच दिया, किसानों ने नील उत्पादन किया, उसे जाकर अलग अलग जगह निर्यात कर दिया। इस मांग को पूरा करने के लिए केवल शहरों में रहते हुए उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता था। वजह यह थी कि शहरों में शहरी दस्तकारी और व्यापारिक गिल्ड्स काफी ताकतवर थे। एक गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन होते थे। एक गिल्ड्स मतलब क्या होता है, जो उत्पादक संगठन होते हैं, इन्हें एक तरह से गिल्ड्स कह देते हैं। गिल्ड्स से जुड़े उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे, प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे, तथा व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे। शासकों ने भी विभिन्न गिल्ड्स को खास उत्पादों के उत्पादन और व्यापार का एकाधिकार दिया हुआ था। फलस्वरूप नए व्यापारी शहरों में कारोबार नहीं कर सकते थे, इसलिए वे गांव की तरफ जाने लगे। गांव में गरीब काश्तकार और दस्तकार सौदागरों के लिए काम करने लगे। जैसा कि आपने पिछले साल की पाठ्यपुस्तक पर देखा भी था कि यह एक ऐसा समय था जब खुले खेत खत्म होते जा रहे थे और कॉमन्स की बाड़ाबंदी की जा रही थी। अब तक अपनी रोजी रोटी के लिए साझा जमीनों से जलावन की लकड़ियां, बेरियां, सब्जियां, भूसा, चारा आदि बीन कर काम चलाने वाले छोटे किसान, यानी छोटे किसानों को कुटेजर कह देते, और गरीब किसान आमदनी के नए स्रोत ढूंढ रहे थे। बहुत के पास छोटे छोटे खेत थे तो थे, लेकिन उनमें घर के सारे लोगों का पेट नहीं भर सकता था। इसलिए जब सौदागर वहां आए और उन्होंने माल पैदा करने के लिए पेशगी रकम दी तो किसान फौरन तैयार हो गए। सौदागरों के लिए काम करते हुए वे गाँव में ही रहते हुए अपने छोटे छोटे खेतों को भी संभाल सकते थे। आप लोगों को एक उदाहरण देता हूं, चीन और ईरान को ले लीजिए। अभी आप जान रहे हैं कि ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने इतने प्रतिबंध लगा रखे हैं कि कोई देश उससे समझौता या कोई भी करार करने में डरता है। भारत को ही देख लीजिए, आपने देखा कई प्रोजेक्ट योजनाएं चलाई जा रही थी वहां हमारी तरफ से। जब से आपने अमेरिका ने चेतावनी दी तो हम लोगों ने कच्चा माल भी आयात करना वहां से बंद कर दिया और अपनी योजनाओं को ढील दे दी।
तो चीन क्या है, चीन को आप जाना है कि अमेरिका से चीन की नहीं बन रही है, तो चीन ने जाकर वहां समझौता कर लिए। तो ईरान के पास तो कोई ईरान जानता है कि चीन की मतलब जो भी पॉलिसी है वो खतरनाक है, साहूकारों जैसी है कि पहले ऋण देगा फिर उसे फंसाएगा उसके बाद उसकी जमीन हड़पेगा। लेकिन उसके पास ईरान के पास कोई दूसरा विकल्प भी तो नहीं है। तो यहां भी था जो छोटे किसान थे जो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए जो आए सौदागरों ने उनके लिए जो भी काम करने की बात की उन्होंने आराम से मान लिया। ये देख रहे होंगे पिक्चर साहब, 18वीं सदी में कताई, आप देख सकते हैं कि परिवार के सभी सदस्य धागा बनाने के काम में लगे हैं। ध्यान से देखिए कि एक चरखे पर केवल एक ही तकली बन रही है, छोटे छोटे यानी कि शुरुआतें। इस आदि औद्योगिक उत्पादन से होने वाली आमदनी ने खेती के कारण सिमटती आय में बड़ा सहारा दिया। अब उन्हें पूरी परिवार के श्रम संसाधनों के इस्तेमाल का मौका भी मिल गया। आजकल कुत्ते भी बड़े परेशान हैं, क्या करें, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, बेचारे घूम भी नहीं पा रहे। इस व्यवस्था से शहरों और गांव के बीच एक घनिष्ठ संबंध विकसित हुआ। सौदागर रहते तो शहरों में थे लेकिन उनके लिए काम ज्यादातर देहात में चलता था। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपलर्स से ऊन खरीदते थे, उसे सूत काटने वालों के पास पहुंचा देते थे। इससे जो धागा मिलता था उसे बुनकर फुलर्स और रंग साजों के पास ले जाया जाता था। लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी और इसके बाद निर्यातक व्यापारी कपड़ों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेच देते थे, इसलिए लंदन को भी फिनिशिंग सेंटर के रूप में भी जाना जाने लगा था। आप लोगों ने एक बात सुना होगा क्या कि गांव में यही होता है, अभी भी यही होता है कि जो सेठ लोग होते हैं जो वहां से जो भी सामान होता है उत्पादन होता है किसानों का उत्पादक करते हैं जो भी, उसे खरीदने वाले सेठ शहरों में ही तो रहते हैं, वो गांव से लेकिन उनका जुड़ाव बना रहता है। आप भी देखते रहते हैं कि वो वहां से उठाते हैं अपने यहाँ ले जाते हैं या फिर उसे किसी दूसरी चीजों में बदलते हैं, जैसे गेहूं ले लिया उसे आटा बनवाकर बिस्किट बनाया उसके बाद निर्यात करते रहे, राष्ट्रीय राष्ट्र में भी और अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी करते रहते। तो यही कहानी है, बस आपको बड़े धैर्य के साथ सोचना है और थोड़ा पढ़ना है ध्यान से के साथ। आप मुझे नहीं लगता है कि कहीं आपको परेशानी होगी। देखिए नए शब्द जो भी आते हैं उनकी परिभाषा भी दे दी जाती है। स्टेपलर, ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता या छांटता, इसे स्टेपलर कह देते थे। फुलर, ऐसा व्यक्ति जो फुल करता यानी चुन्नटों के सहारे कपड़ों को समेटता, इन्हें आप फुलर कह देते। कार्डिंग, वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता था, एक कार्डिंग कहलाती थी। यह आदि उद्योगिक व्यवस्था व्यवसायिक आदान प्रदान के नेटवर्क का हिस्सा थी। इस पर सौदागरों का नियंत्रण था और चीजों का उत्पादन कारखानों की बजाय घर में होता था। उत्पादन के प्रत्येक चरण में प्रत्येक सौदागर 20 से 25 मजदूरों से काम करवाता था। इसका मतलब यह था कि कपड़ों के हर सौदागर के पास सैकड़ों मजदूर काम करते थे। अब चलते हैं हम लोग कारखानों का उदय देखते हैं, इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले लेकिन उनकी संख्या में तेजी से इजाफा 18वीं सदी के आखिर में ही हुआ। आप शुरू में थे, आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ जो कपड़े बनते थे या फिर कोई भी आप सामान देख लीजिए, इंग्लैंड या यूरोपीय देश या बाकी दुनिया में बहुत मांग थी हमारे यहाँ के कपड़ों की। लेकिन आपने देखा जब से इंग्लैंड में कपड़े बनने लगे और यूरोपीय देशों में कपड़े बनने लगे और हमारे यहाँ से कच्चा माल ले जाकर वहाँ वो जैसे सूत कपास यहाँ से ले जाकर वो लोग कपड़े में बदलने लगे, तब से हमारे यहाँ के उद्योग धंधे जो भी थे वो ठप्प पड़ गए। क्योंकि आप समझिए कि वहाँ मशीनों का उपयोग होने लगा और हमारे पास ऐसी सुविधा नहीं थी। और आप जानते हैं कि अगर बिना मशीन के आप कुछ काम करते हैं तो दिन में हो सकता है कि 1 से 2 सौल आप बना पाए और कितना टाइम लगेगा आप समझ सकते हैं, तो पूरा परिवार उसी में सिमटा रहेगा। और मशीनों का क्या रहता है कि एक दिन में हजारों सॉल बना देगी, तो आप समझते हैं कि वो सस्ते भी होंगे, क्या होंगे, सस्ते भी होंगे। और आप हाथों से बना रहे हैं तो ये महंगे भी होंगे। और इस दुनिया में आप देखते हैं जनता क्या चाहेगी, सस्ता माल चाहती है, ठीक है, तो इससे प्रतिस्पर्धा भी नहीं कर पाए, इसी कारण पिछड़ भी गए हमारे यहाँ के। कपास कॉटन की नई युग का पहला प्रतीक थी। 19वीं सदी के आखिर में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई।
1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 25 लाख पाउंड कच्चे कपास का आयात करता था, यानी कि बाहरी के देशों से खरीदता था। 1787 में आयात बढ़कर 220 लाख पाउंड तक पहुंच गया। समझ रहे हैं आप लोग, 25 लाख पाउंड से बढ़कर कितना, 220 लाख पाउंड तक पहुंच गया। क्योंकि जिस तरह से उत्पादन होता होगा वहां, जिस तरह से चल रहा था धंधा औद्योगिक जो भी था, तो मांग बढ़ती गई और ये 220 लाख पाउंड तक पहुंच गया। यह जापा उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत सारे बदलावों का परिणाम था। आइए देखें कि ये बदलाव कौन से थे। 18वीं सदी में कोई ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया कार्डिंग, ऐंठना व कताई और लपेटने के हर चरण की कुशलता बढ़ा दी। प्रति मजदूर उत्पादन बढ़ गया और पहले से ज्यादा मजदूर धागों व रेशों का उत्पादन होने लगा। इसके बाद रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी। अभी तक कपड़ा उत्पादन पूरे देहात में फैला हुआ था। यह काम लोग अपने अपने घर पर ही किया करते थे, लेकिन अब महंगी नई मशीनें खरीदकर उन्हें कारखानों में लगाया जा सकता था। कारखानों में सारी प्रक्रियाएं एक छत के नीचे और एक मालिक के हाथों में आ गई। इसके चलते उत्पादन प्रक्रिया पर निगरानी, गुणवत्ता का ध्यान रखना, मजदूरों पर नजर रखना संभव हो गया था। जब तक उत्पादन गांव में हो रहा था तब तक ये सारे काम संभव नहीं थे। और एक बात और, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो भी सेट हुआ करता था गांव में, तो जाके नहीं देख सकता है कि लोग काम कर रहे हैं या बैठे हुए हैं। और एक बात आप लोगों ने देखा होगा, सिगरेट और बीड़ी, इसको आप लोग अपने दैनिक जीवनचर्या में भी देखा होगा कि गांव में बनाई जाती थी, लोग गांव में ही बनाते थे। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि फैक्ट्रियों में इसका उत्पादन होने लगा है, तो स्थिति बदल चुकी है पूरी तरह से। ये पिक्चर्स आपको दिख रही है, लंकाशायर की एक कॉटन मिल सी टर्नर द्वारा बनाया गया चित्र है। दी इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज का है, 1925 की बात। कलाकार ने कहा है कि अगर उस नाम मौसम की नजर से देखें जिसके कारण लंकाशायर दुनिया में सूत कताई के लिए सबसे आदर्श स्थान बनता है, तो शाम की धुंधले में दमकता कॉटन मिल सबसे शानदार नजारा दिखाई देता है। 19वीं सदी की शुरुआत में कारखाने इंग्लैंड के भूदेश का अभिन्न अंग बन गए थे। ये नई कारखाने इतने विशाल और नई प्रौद्योगिकी की ताकत इतनी जादुई दिखाई देती थी कि उस समय के लोगों की आंखें चौंधिया जाती थी। लोगों का ध्यान कारखानों पर टिका रह जाता था, वे इस बात को मानो भूल ही जाते थे कि उनकी आंखों से ओझल गलियों और वर्कशॉप में अभी भी उत्पादन चालू है। तो ये कहानी है, यहाँ आपको दिख रहा है कहीं समझाने की बात हो, या मुझे लगता है कि कोई ऐसा शब्द आपको दिखाई दे रहा हो जो समझ में ना आ रहा हो। पूरा मुझे लगता है कि एक पूरा कहानी देकर समझाया जा रहा है। जिस तरह इतिहासकार छोटी वर्कशॉप की बजाय उद्योगीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यह इस बात का एक बढ़िया उदाहरण है कि आज हम अतीत के बारे में जो विश्वास लिए हुए हैं, वे इस बात से तय होते हैं कि इतिहासकार भी सिर्फ कुछ चीजों पर ध्यान देते हैं और कुछ को नजरअंदाज कर देते हैं। अपने जीवन के किसी एक ऐसी घटना या पहलू को लिखें जिसे आपके माता पिता या शिक्षक आदि इस तरह की याद रखिए, आपको नहीं करना है इस तरह की गतिविधि, ठीक है। मैंने पहले भी बता चुका हूं कि जो भी कोई भी क्रियाकलाप होता है या प्रैक्टिकल करने की बात करती है, आप उसे एक से दो बार पढ़ लें और मन में सोच के कर लें, लेकिन आपको प्रैक्टिकल नहीं करना है क्योंकि इतना आपके पास टाइम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, औद्योगिकरण परिवर्तन की रफ्तार। औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार, औद्योगिकरण की प्रक्रिया कितनी तेज थी? क्या औद्योगिकरण का मतलब केवल फैक्ट्री उद्योगों के विकास तक ही सीमित होता है? इस चित्र को आप दिखाई दे रहा होगा आपको, औद्योगिक मैनचेस्टर एम जैक्सन का चित्र है, द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज का है, 1857। हमारे देश में 1857 में आपने देखा है कि 1857 की क्रांति भी हुई थी, समझ रहे हैं। धुआं छोड़ती चिमनियां औद्योगिक इलाकों की पहचान बन गई थी। पहला, सूती उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। तेजी से बढ़ता हुआ कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगीकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। इसके बाद लोहा और स्टील उद्योग आगे निकल गए 1840 के दशक से इंग्लैंड में, और 1860 के दशक से उसके उपनिवेशों में रेलवे का विस्तार होने लगा। फलस्वरूप लोहे और स्टील की जरूरत तेजी से बढ़ी और 1873 तक
बेटेन की लोहा और स्टील निर्यात का मूल लगभग 7.7 करोड़ पाउंड हो गया था। यह राशि इंग्लैंड के कपास निर्यात के मूल्य से दुगनी थी। याद रखिए, यह इंग्लैंड के या यूरोपीय देशों के उपनिवेश का कहने का मतलब है कि जैसे हमारे भारत था इस तरह के उनके गुलाम थे, जो वहां भी रेलवे का विस्तार होने लगा है। ठीक है, उपनिवेशों का मतलब सीधा सा मतलब होता है कि उनके अंडर में जो भी थे गुलाम थे एक तरह से। दूसरा, नए उद्योग परंपरागत उद्योगों की को इतनी आसानी से हाशिए पर नहीं ढकेल सकते थे। 19वीं सदी के आखिर में भी तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कुल मजदूरों से 20% से ज्यादा नहीं थी। कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था, लेकिन उसके उत्पादन का बड़ा हिस्सा कारखानों में नहीं बल्कि घरेलू इकाइयों में होता था। तीसरा, यद्यपि परंपरागत उद्योगों में परिवर्तन की गति भाप से चलने वाले सूती और धातु उद्योग से तय नहीं हो रही थी, लेकिन ये परंपरागत उद्योग पूरी तरह ठहराव की अवस्था में भी नहीं थे। खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, पोटरी, कांच के काम, चरम शोधन, फर्नीचर, औजारों के उत्पादन जैसे बहुत सारे गैर मशीनी के क्षेत्रों में जो तरक्की हो रही थी वह मुख्य रूप से साधारण और छोटे छोटे आविष्कारों का ही परिणाम थी। चौथा, औद्योगिक बदलाव की गति धीमी थी। औद्योगिक भूदृश्य पर ये बदलाव नाटकीय तेजी से नहीं फैले थे। नई तकनीक महंगी थी और सौदागर व व्यापारी उनके इस्तेमाल के सवाल पर फूंक फूंक कर कदम बढ़ाते थे। मशीनें अक्सर खराब हो जाती थी और उनकी मरम्मत पर काफी खर्चा आता था। वे उतनी अच्छी भी नहीं थी जितना कि उनके आविष्कारों और निर्माताओं का दावा था। एक बात और आप याद रखिए, अभी मान लीजिए कि आपके पास आप देखते हैं कि कार आ गई है, कई तरह की कार आ चुकी है ब्रांडेड, तो हर किसी के पास इतनी क्षमता नहीं कि वो कार खरीद ले, तो वो अपने साइकिल से चले या किसी तरह से अपना काम चलाता रहेगा जो पारंपरिक है। एक समय आप देखते थे कि बैलगाड़ी से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, और समझ सकते हैं कि बैलगाड़ी में कोई खराबी का भी ऐसा ज्यादा भारी भरकम ना रहता था कि जो खुद ना कर पाए उसकी रिपेयर। आज आप सोचिए, फॉर्चूनर आपने ली हुई है, अगर उसमें कोई भी खराबी आ जाती है तो आप समझिए कि महंगाई मतलब उसका खर्चा आएगा जो महंगा होगा आपको, और आप खुद से सही नहीं कर सकते। और एक गाड़ी, बैलगाड़ी को लीजिए, अगर उसमें कोई खराबी आ जाती है तो मुझे लगता है कि आप खुद कर लेंगे, सुधार लेंगे उसे, और वो रुकेगी भी नहीं, आपका काम चलता रहेगा। तो उस समय भी यही स्थिति बनी हुई थी कि जो नई मशीनें आई हुई थी, एक तो सबसे बड़ी बात थी कि महंगी थी, और दूसरी बात थी कि इनमें अगर खराबी आ जाती थी तो इनमें जो भी रिपेयरिंग का काम होता था वो बहुत काफी खर्चीला होता था। तो लोग अपने परंपरागत जो भी उद्योग थे, जिस तरह से वो अपना उत्पादन कर रहे थे, उसी तरह से लगे रहे। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, इंग्लैंड में एक रेलवे कारखाने में फिटिंग शॉप डी एल स्टेटेड लंदन न्यूज 1849 की बात है। इस फिटिंग शॉप में नए लोकोमोटिव इंजन बनाए जाते थे और पुरानों की मरम्मत भी की जाती थी। और आप देखेंगे कि हमारे भारत की बात करें तो जो हम लोग मशीनें भी खरीदते उस समय, तो आप देख रहे थे कि यूरोपीय देशों में बनाई जा रही थी, तो वहां से खरीद कर लाना और फिर अगर खराब हो जाए तो फिर वहां भेजना या कहीं सुधारने के लिए बोलना, ये बड़ी मुश्किल भरी बात रहती होगी। आज हम मोबाइल खरीदते हैं, हो सकता है उसमें कोई खराबी आ जाए, हम देखते हैं कि 4 से 5 दिन 7 दिन तक वो जाता है रिपेयरिंग के लिए, फिर आता है लौट के, तो स्थिति आप समझ में आ सकती है क्या स्थिति रहती होगी। इस बात को समझने के लिए आइए भाप के इंजन का उदाहरण लें। जेम्स बॉट ने न्यू कॉमेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किए और 1871 में नए इंजन को पेटेंट करा दिया। इस मॉडल का पेटेंट का मतलब ये होता है कि देखिए, आपके नाम अगर पेटेंट हो जाता है तो उसका आप ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने कोई खोज की और दूसरा उसका उपयोग करने लगे, एक चोरी हो जाती है, पर आप देखेंगे उसके तरह तहत आप सजा भी मिल सकती है। ठीक है, तो ये पेटेंट है, कोई भी आप खोज कर रहे हैं, किसी भी का आविष्कार कर रहे हैं तो आपके नाम पर वो पेटेंट हो जाएगा। इस मॉडल का उत्पादन उनके दोस्त उद्योगपति मैथ्यू बोल्टन ने किया, पर सालों तक उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 321 इंजन थे। इनमें से 80 इंजन सूती उद्योगों में, 9 ऊन उद्योगों में और बाकी खनन, नहर निर्माण, लोहे कार्यों में इस्तेमाल हो रहे थे, और किसी उद्योग में भाप के इंजनों का इस्तेमाल काफी समय बाद तक भी नहीं हुआ। यानी मजदूरों की उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ाने की संभावना वाली सबसे शक्तिशाली प्रौद्योगिकी को अपनाने में भी उद्योगपति बहुत हिचकिचाते रहे।
अब इतिहासकार इस बात को मानने लगे हैं कि 19वीं सदी के मध्य का औसत मजदूर मशीनों पर काम करने वाले नहीं बल्कि परंपरागत कारीगरों और मजदूर ही होता था। आप सीधा सा कहने का मतलब है कि जो नई मशीनें आई हुई हैं उनका उद्योगों में ये इस तरह के जो परंपरागत काम थी इनमें ज्यादा प्रभाव नहीं रहा, ये उसी तरह से चलता रहा। 1830 की एक नई कताई फैक्ट्री, आगे इसमें देखिए बदलाव रहा, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से वही परंपरागत रूप से कारीगरी होती रही, मजदूरी होती रही है। आने वाले दिनों में परिवर्तन होता है, लेकिन शुरू की बात करो आप देख सकते हैं कि किस तरह भाप की ताकत में से चलने वाले विशालकाय पहिए एक साथ सैकड़ों तकलियों को घुमाने लगते थे और यहां कम मजदूरों की भी जरूरत पड़ती होगी, समझ रहे हैं आप लोग। अब बात करते हैं हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। गरीब किसान और बेगार लोग कामकाज की तलाश में बड़ी संख्या में शहरों को जाते थे। जैसा कि आप आगे जानेंगे, जब श्रमिकों की बहुतायत होती तो वेतन गिर जाते, इसलिए उद्योगपतियों को श्रमिकों की कमी या वेतन कीमत में भारी लागत जैसी कोई परेशानी नहीं थी और उन्हें ऐसी मशीनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिनके कारण मजदूरों से छुटकारा मिल जाए और जिन पर बहुत ज्यादा खर्चा आने वाला हो। और एक बात और याद रखिए, एक क्या हुआ करता था कि देखिए आगे फायदा हो सकता है मशीन से, लेकिन उसे खरीदने में उसे सेट करने में बहुत खर्चा आता होगा, तो इससे भी लोग बचते थे क्योंकि शुरुआत थी। आप समझ सकते हैं कि शुरुआत में लोग कम ही पैसा खर्च करना चाहते हैं, मजदूर भी तो आसानी से थे, कम वेतन में थे, तो उन्होंने इसे ही अपनाया। बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती रहती थी। गैसघरों और शराब खानों में जाड़ों के दौरान खासा काम रहता था, इस दौरान उन्हें ज्यादा मजदूरों को की जरूरत होती थी। क्रिसमस के समय बुक बाइंडरों और पेंटरों को भी दिसंबर से पहले अतिरिक्त मजदूरों की दरकार रहती थी। बंदरगाहों पर जहाजों की मरम्मत और साफ सफाई व सजावट का काम भी जाड़ों में ही होता किया जाता था। जिस उद्योगों में मौसम के साथ उत्पादन घटता बढ़ता रहता था वहां उद्योगपति मशीनों की वजह मजदूरों को ही काम पर रखना पसंद करते थे। ये आपको दिख रहा होगा, काम की तलाश में निकले लोग दी इल एस्टेटेड लंदन न्यूज 1879 का चित्र है। कुछ लोग छोटी छोटी चीजें बेचते और अस्थायी काम तलाशते हुए हमेशा एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे। आज भी आप इस तरह के कई उदाहरण देखने को आपको मिल जाएंगे। यहाँ कुछ आपका देखते हैं क्या है, एक पैराग्राफ। बिल थॉर्न मौसमी काम की तलाश में निकलने वाले मजदूरों में से एक थे। उन्होंने ईंटें ढोई और अन्य छोटे 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 मोटे काम भी किए। वह बताते हैं कि नौकरी के इच्छुक जिस तरह पैदल लंदन जाते थे, मैं हमेशा लंदन जाना चाहता था। मेरी इच्छा हमेशा एक पुराने दोस्त के खतों को पढ़कर और मजबूत हो जाती थी। वह ओल्ड कैंट रोड गैस बॉक्स में काम करता था। आखिरकार मैंने जाने का मन बना लिया और नवंबर 1881 में दो दोस्तों के साथ मैं सफर पर निकल पड़ा। हम इस आशा से भरे हुए थे कि वहां पहुंचते ही अपने दोस्त की मदद से हमें रोजगार मिल जाएगा। जब हम निकले तो हमारे पास खास कोई पैसा नहीं था। लंदन तक के रास्ते के लिए खाने और रात को ठहरने का पैसा भी नहीं था। कई दिन हम 20 मील और कई बार उससे भी कम पैदल चलते थे। तीसरे दिन हमारे पैसे खत्म हो गए। दो रातें हमने बाहर ही सोते हुए गुजारी, एक बार भूसे के ढेर तले और एक बार खेत में बने एक शेड में। लंदन पहुंचने पर मैंने अपने दोस्त को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन नाकामयाब रहा। पैसा तो जा ही चुका था, इसलिए हमारे पास देर रात तक यहाँ वहां भटकने रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। शाम को हम सोने का कोई ठिकाना ढूंढते थे। हमने एक पुरानी इमारत ढूंढी और एक रात उसी में बिताई। अगले दिन इतवार था, यानी कि रविवार। दोपहर बाद हम ओल्ड कैंट गैस बॉक्स पहुंचे। वहां हमने काम के लिए अर्जी दी थी और यह देखकर मेरे अचरज की सीमा न रही कि हम जिसे ढूंढ रहे थे वही काम कर रहा था। उसने फॉरेन फॉरमैन से बात की और मुझे नौकरी पर रख लिया। एक बात आप समझ सकते हैं कि उस समय इस तरह के फोन कोई सुविधा तो थी नहीं, तो लोग अभी भी आप देखते हैं कि एक शहर से, आप मान लीजिए आप दिल्ली जा रहे हैं या फिर आप मुंबई काम के लिए जा रहे हैं, आपका कोई दोस्त रहता हो वो ना मिले
और आपके पास इतना पैसा भी ना हो, आप भटकते रहे, किस तरह से लोग जिंदगी गुजारते हैं आप समझ सकते हैं इसमें कोई ऐसा। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे उत्पाद केवल हाथ से ही तैयार किए जा सकते थे, मशीनों से एक जैसे तय किस्म के उत्पाद ही बड़ी संख्या में बनाए जा सकते थे, लेकिन बाजार में अक्सर बारीक डिजाइन और खास आकारों वाली चीजों की काफी मांग रहती थी। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में 19वीं सदी के मध्य में 500 तरह के हथौड़े और 45 तरह की कुल्हाड़ियां बनाई जा रही थी। इन्हें बनाने के लिए यांत्रिक प्रौद्योगिकी की नहीं बल्कि इंसानी निपुणता की जरूरत थी। एक तरह से आप कह सकते हैं कि इंसानों की जरूरत थी, मशीन इस तरह की कारीगरी नहीं कर सकती थी। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग हाथों से बनी चीजों को तरजीह देते थे। हाथ से बनी चीजों को परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक माना जाता था, उनकी फिनिश अच्छी होती थी, उनको एक एक करके बनाया जाता था और उनका डिजाइन अच्छा होता था। मशीनों से बनने वाले उत्पादों को उपनिवेशों में निर्यात कर दिया जाता था, और जिन देशों में मजदूरों की कमी होती थी वहां उद्योगपति मशीनों का इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करते थे, ताकि कम से कम मजदूरों का इस्तेमाल करके वे अपना काम चला सकें। 19वीं सदी के अमेरिका में यही स्थिति थी, लेकिन ब्रिटेन में कामगारों की कोई कमी नहीं थी। यह आपको एक चित्र दिख रहा होगा, लोहे की फैक्ट्री में मजदूर उत्तर पूर्वी पूर्व इंग्लैंड, विलियम बेल स्कॉट की पेंटिंग है। यह आपकी 1861 की बात करें। 19वीं सदी के आखिर में बहुत सारे कलाकार मजदूरों को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने लगे थे। उन्हें राष्ट्र के लिए कठिनाइयां और पीड़ा झेलते हुए दिखाया जाता था। अब बात कर लेते हैं हम लोग मजदूरों की जिंदगी कैसी रही इस समय। बाजार में श्रम की बहुतायत से मजदूरों की जिंदगी में भी प्रभावित हुई है। जैसे ही नौकरियों की खबर गांव में पहुंची, सैकड़ों की तादाद में लोगों के हुजूम शहरों की तरफ चल पड़े। नौकरियां मिलने की संभावना यारी दोस्ती कुटुंबिक कुटुंब के जरिए जान पहचान पर निर्भर करती थी। अगर किसी कारखाने में आपका रिश्तेदार या दोस्त लगा हुआ है तो नौकरी मिलने की संभावना ज्यादा रहती थी। सबसे पास ऐसे सामाजिक संपर्क नहीं होते थे सबके पास। रोजगार चाहने वाले बहुत सारे लोगों को हफ्तों का इंतजार करना पड़ता था। वे पुलों के नीचे या फिर रैन बसेरों में रातें काटते थे। कुछ बेरोजगार शहर में बने निजी रैन बसेरों में रहते थे। बहुत सारे निर्धन कानून विभाग द्वारा चलाए जाने वाले अस्थायी बसेरों में रुकते थे। एक तरह से आप ले सकते हैं कि आपको अगर नेता बनना है तो आप कहते हैं ना कि सिफारिश से जल्दी काम हो जाता है, तो उस समय भी इस तरह की सिफारिशें देखी जाती थी। और आप समझ सकते हैं कि जहां एक आदमी की जरूरत हो वहां अगर 10 आदमी पहुंच जाए नौकरी के लिए तो क्या स्थिति हो सकती है, आप बेहतर समझने वाले हैं। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या होने का यही एक नुकसान मान सकते हैं आप लोग, कि आप देखते हैं कि अगर आपको ड्राइवर भी चाहिए तो 6 से 7 हजार में आराम से ड्राइवर मिल जाएगा। 5 से 6 हजार रुपये में मुझे लगता है ड्राइवर आराम से मिल जाएगा, समझ रहे हैं? आप सोचिए 5-6 हजार रुपये में क्या होता होगा। लेकिन क्या करें, इतना मतलब बेरोजगारी है कि हर आदमी काम करने के लिए तैयार है, कितना भी पैसा दीजिए। कई लोग तो आपको ऐसे भी मिल जाएंगे कि आप उन्हें खाना देती रहिए और उनका मतलब कपड़े वपड़े काम करते रहेंगे आपके, समझ रहे हैं? यहाँ एक पिक्चर है, आपको देख सकते हैं आप। बेघर और भूखे सैमुअल लिव फिल्डेस की पेंटिंग 1874 की। इस पेंटिंग में दर्शाया गया है कि लंदन में बेघर लोग एक कामघर में रात भर ठहरने के टिकट के लिए अर्जी दे रहे हैं। ये आश्रय स्थल बेसहारा और सड़क पर रहने वाले आवाराओं और यहाँ वहाँ भटकते लोगों के लिए गरीब कानून आयोग की देखरेख में चलाए जाते थे। इन वर्क हाउसों में रहना जिल्लत की बात थी। हर एक की डॉक्टरी जांच करते करके पता लगाया जाता था कि व्यक्ति बीमार तो नहीं है, उनका शरीर पूरी तरह साफ है या नहीं, उनके कपड़े मैले तो नहीं है, उन्हें कठोर परिश्रम भी करना पड़ता था। इसे आप लोग अपने देश की सरकारी हॉस्पिटलों की मतलब मदद से जान सकते हैं। आज आप देखते हैं कि सरकारी हॉस्पिटलों की क्या स्थिति है। यहाँ आप लोगों के एक फॉर्म भरना है, उसके बाद आपको देखना है कि किस स्थिति में जीते हैं आप वहाँ। कई लोग तो मर जाना पसंद करते हैं सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज करवाने से, क्योंकि स्थिति आप खुद जानते हैं, इसमें कोई दोहराया भी नहीं है ना, समझ रहे हैं? आगे चलते हैं।
बहुत सारे उद्योगों में मौसमी काम की वजह से कामगारों को बीच बीच में बहुत समय तक खाली बैठना पड़ता था। काम का सीजन गुजर जाने के बाद गरीब दोबारा सड़क पर आ जाते थे। कुछ लोग जाड़ों के बाद गांव में चले जाते थे जहां इस समय काम निकलने लगता था, लेकिन ज्यादातर शहर में ही छोटे मोटा काम ढूंढने की कोशिश करते थे, जो 19वीं सदी के मध्य तक भी आसान काम नहीं था। एक तरह से कहने का सीधा सा मतलब ये है कि आप देखते होंगे कि जब कोई मौसम रहता है इस तरह के कामों का, एक तरह से आप रक्षाबंधन को आप अपने देश में ले लीजिए या दीपावली के टाइम को आप लोग ले लीजिए, आप देखते हैं कि कामगारों की कुछ ज्यादा ही जरूरत होती है मजदूरों की, तो उस समय मजदूर आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। और देखिए आप दीपावली जैसे ही निकलेगी, कोई भी त्योहार निकलेगा, उसके बाद आपको बहुत ही सस्ते श्रम का भी कई मजदूर मिल जाएंगे आपको। तो ये स्थिति है, इसको आप देख रहे होंगे चित्र 11 को, तकलियां। स्पिनिंग जेनी टी ई निकलसन द्वारा बनाया गया रेखा चित्र 1835 की। ध्यान से देखिए कि पहिए से कितनी सारी तकलियां घूमने लगती थी, यानी कि यही तो तकनीक है एक तरह से। 19वीं सदी की शुरुआत में वेतन में कुछ सुधार भी हुआ आया, लेकिन इससे मजदूरों की हालत में बेहतरी का पता नहीं चलता। औसत आंकड़ों से अलग अलग व्यक्ति व्यवसायों के बीच आने वाले फर्क और साल दर साल होने वाले उतार चढ़ाव छिपे रह जाते थे। मिसाल के तौर पर जब लंबे नेपोलियन युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ी तो मजदूरों की आय के वास्तविक मूल्य में भारी कमी आ गई। अब उन्हें वेतन तो पहले जितना मिलता था, लेकिन उससे भी पहले जितने चीजें नहीं खरीद सकते थे। यानी कि कहने का मतलब है कि रुपए की जो क्रय शक्ति थी वो घट जाती है। क्या होती है? वो घट जाती है। मजदूरों की आमदनी भी सिर्फ वेतन दर पर ही निर्भर नहीं होती थी, रोजगार की अवधि भी बहुत महत्वपूर्ण थी। मजदूरों की औसत दैनिक आय इससे तय होती थी कि उन्होंने कितने दिन काम किया है। 19वीं सदी के मध्य में सबसे अच्छे हालात में भी लगभग 10% शहरी आबादी निहायत गरीब थी। 1830 के दशक में आई अधिक मंदी जैसे दौरों में बेरोजगारों की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में 35-75% तक पहुंच गई। बेरोजगारी की बात कर रहा हूँ जो हमारे देश में भी चरम स्थिति में देखी जा सकती है। ये क्या है, इस पॉइंट को भी देख लेते हैं। एक मजिस्ट्रेट ने 1790 में एक ऐसी घटना के बारे में बताया जिसमें उसे मजदूरों के हमले से निर्माता की संपत्ति की रक्षा के लिए बुलाया गया था। कोयला मजदूरों और उनकी बीवियों के गिरोह की परेशानी के कारण, क्योंकि उनकी बीवियों का काम स्पिनिंग इंजन के कारण छिन गया था। शुरू में वे बड़े अड़ियल ढंग से आगे बढ़े। ऊन उत्पादन में अभी अपनाई गई मशीनों को भी वे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते थे, क्योंकि उनकी वजह से शारीरिक श्रम की मांग घटने वाली थी। औरतों ने हंगामा मचाया हुआ था और आदमियों को समझाना आसान था, इसलिए कुछ खींचतान के बाद उन्हें शांतिपूर्ण घर जाने के लिए तैयार किया गया। आप भी जानते हैं जब महिलाओं का कहीं आंदोलन हो तो उससे दूर ही रहा करिएगा, क्योंकि वहां समझाने का मौका नहीं मिलता है आपको। ये चित्र आपको दिख रहा होगा, मध्य लंदन में निर्माणाधीन एक उथला भूमिगत रेलवे स्टेशन, इल स्टेटेड टाइम्स 1868 की बात है। 1850 के दशक से पूरे लंदन में रेलवे स्टेशन बनने लगे। इसका मतलब था कि सुरंगें बनाने, बल्लियों की पाड़ लगाने, ईंट और लोहे का काम करने के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत थी। रोजगार चाहने वाले एक निर्माण स्थल से दूसरे निर्माण स्थल तक जाते रहते थे। याद रखिए कुछ काम ऐसे भी थे कि जिसमें मशीनों का काम नहीं हो सकता है, मशीनें जहां उपयोग नहीं हो सकती है, तो इसके लिए आप सोचिए कि मजदूरों को ही रखना पड़ता था। आज भी आप देखते हैं अपने दैनिक जीवनचर्या में कि कई ऐसे काम होते हैं जो मजदूरों से ही कराए जा सकते हैं। बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी से चिढ़ते थे, यानी कि जो नई तकनीक आ रही थी उससे चिढ़ रहे थे। जब ऊन उद्योगों में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल किया गया तो हाथ से ऊन काटने वाले औरतें इस तरह की मशीनों पर हमला करने लगी और जेनी के इस्तेमाल पर यह टकराव लंबे समय तक चलता रहा। आपने भी तो देखा है अपने देश में कई तरह के आंदोलन होते रहते हैं, क्योंकि जब उनकी नौकरी जाती है और कोई नई तकनीक आती है तो वो उससे आंदोलन करने लगते हैं। स्पिनिंग जेनी क्या था? जेम्स हरग्रीव द्वारा 1764 में बनाई गई। इस मशीन से कताई की प्रक्रिया तेज कर दी गई
मजदूरों की मांग घटा दी गई। एक ही पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनने लगते थे। आप समझिए, जहाज 50 मजदूरों को काम हुआ करता था, वहां एक आदमी अकेले करने कर सकता था इस तकनीक की मदद से। आप सोचिए कि वो 50 लोगों का क्या होता होगा, बोलो तो बेरोजगार हो जाते होंगे, वो कुछ ना करने की स्थिति में आप समझिए उनके दिमाग में कैसा गुस्सा आता होगा। 1840 के दशक के बाद शहरों में निर्माण की गतिविधियां तेजी से बढ़ी, लोगों के लिए नए रोजगार पैदा हुए, सड़कों को चौड़ा किया गया, नए रेलवे स्टेशन बने, रेलवे लाइनों का विस्तार किया गया, सुरंगें बनाई गई, निकासी और सीवर व्यवस्था बिछाई गई, नदियों के तटबंध बनाए गए। परिवहन उद्योग में काम करने वालों की संख्या 1840 के दशक में दुगना और अगले 30 वर्षों में एक बार फिर दुगना हो गई। तो मैंने बताया ना कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो बिना मजदूरों के नहीं करवाए जा सकते हैं, मशीनें वहां काम नहीं कर सकती हैं, तो इसमें काफी अच्छी संख्या में रोजगार मिला है। अब बात करते हैं उपनिवेशी निवेशों में औद्योगिकरण, यानी कि जो आप एक तरह से कह सकते हैं इनके जो गुलाम थे यूरोपीय देशों की, यानी कि यूरोपीय जो शक्तियां थी उन देशों में किस तरह से औद्योगिकरण हुई है उनमें बात करते हैं, विशेष तौर पर भारत की स्थिति इसमें हम लोग देखेंगे। आइए भारत पर नजर डालें और देखें कि एक उपनिवेश का औद्योगिकरण कैसे हुआ है। यहाँ भी हम कारखाना उद्योग के साथ साथ गैर मशीनी क्षेत्र पर भी ध्यान देंगे। हमारा अध्ययन मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग तक ही सीमित नहीं रहेगा। सबसे पहले शुरू करते हैं भारतीय कपड़े का युग। मशीनी उद्योगों के युग से पहले अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत की रेशमी और सूती उत्पादों का भी दबदबा रहता था। बहुत सारे देशों में मोटा कपास पैदा होता था, लेकिन भारत में पैदा होने वाला कपास महीन किस्म का था और आर्मियन और फारसी सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते यहाँ की चीजें लेकर आते जाते थे। यहाँ के बने मशीन कपड़ों के थान ऊंटों की पीठ पर लाद कर पश्चिमोत्तर सीमा से पहाड़ी दर्रों रेगिस्तानों के पार ले जाया जाते थे। मुख्य पूर्व उपनिवेशिक बंदरगाहों से फलता फूलता समुद्री व्यापार चलता था। गुजरात के तट पर स्थित सूरत बंदरगाहों के जरिए भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से भी दक्षिण पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार चलता था। अब इसमें आप देखिए, इस पैराग्राफ में कोई ऐसा शब्द मुझे बताइए जो आप लोगों को ना समझ में आया हो। यार मैं पहले भी बोल चुका हूं कि अगर आप शुरू से तैयारी करते हैं और एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं शुरू से, तो मुझे नहीं लगता है कि आप 12वीं तक पहुंचते पहुंचते कोई आपके मन में कोई सवाल आए, क्योंकि मैंने बताया कि पहले क्या हुआ था कि हमारे यहाँ के जो कपड़ा था वो इतना अच्छा बनाया जाता था कि महाराजा राजा बाहर के जो भी देश के रहते थे वो लोग भी पहनते थे, इतना महत्व रहता था हमारे कपड़ों का। आप अंग्रेजों को क्यों आए थे हमारे देश में शुरू में? एकाएक तो उन्होंने राज करने की सोचा नहीं, पहले तो वो व्यापार के उद्देश्य से ही हमारे भारत में आए हुए थे, फिर उन्होंने यहाँ की स्थिति परिस्थितियां देखी, उसके बाद उन्होंने राज करना शुरू किया। तो ये हाल था, ठीक है। निर्यात व्यापार की इस नेटवर्क में बहुत सारे भारतीय व्यापारी और बैंकर सक्रिय थे। वे उत्पादन में पैसा लगाते थे, चीजों को लेकर जाते थे और निर्यातकों को पहुंचाते थे। माल बेचने वाले आपूर्ति सौदागरों के जरिए बंदरगाह नगर देश के भीतरी इलाकों से जुड़े हुए थे। ये सौदागर बुनकरों को पेशगी देते थे, बुनकरों से तैयार कपड़ा खरीदते थे, उससे बंदरगाहों तक पहुंचाते थे। बंदरगाह पर बड़े जहाज मालिक और निर्यात व्यापारियों के दलाल कीमत पर मोल भाव करते थे और आपूर्ति सौदागरों से माल खरीदते थे। एक और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि आपने अगर हड़प्पा सभ्यता पढ़ा होगा तो प्राचीन काल से ही हमारे व्यापार विदेशियों से होने लगे थे, बाहरी देशों से होने लगे थे। समझ रहे हैं, उस समय जो भी सभ्यताएं हुआ करती थी उनसे हमारा व्यापार चलता था। इसके कई आपको उदाहरण भी मिलते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता, ये आते देखते रहते, पीली नदी, ठीक है। तो हमारे देश का इतिहास बहुत पुराना है, हमारे आगे कोई नहीं टिक सकता है। बस काश हमारे नेता ईमानदार होते तो हम कहां से कहां पहुंच चुके होते, समझ रहे हैं। 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला यह नेटवर्क टूटने लगा था। यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी। पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों से कई तरह की रियायतें हासिल की और उसके बाद उन्होंने व्यापार पर इजारेदारी अधिकार प्राप्त कर लिया। आप देखते हैं कि कहने का सीधा सा मतलब है कि आपने औरंगजेब के, अकबर, शाहजहां के काल में देखा कि अंग्रेज लोग आ रहे हैं
और इन शासकों का मतलब एक तरह से भरोसा जीत रहे हैं, इनके एक तरह से लालच दे रहे हैं, और इन्हें से कुछ अधिकार लेकर अपना व्यापार शुरू कर देते हैं। अंग्रेजों में वो कला थी मतलब कि सामने वाले को आकर्षित करने की, कि जो भी महाराजा राजा थे वो आराम से उनकी बातों में आकर व्यापार करने की इजाजत दे देते थे, और बाद में आप देखते हैं कि किस तरह से उन्हें ही उसका भुगतान करना पड़ा। तो एक तरह से आज आप चीन का उदाहरण मुझे अच्छा लगता है बेहतर तरीके से, कि चीन भी बड़ी बातों में फंसा लेता है। आज आपका नेपाल पड़ोसी भाई को देखिए आप, कि नेपाल पूरी तरह से भारत पर निर्भर रहता था, आज आप देखिए कि चीन की भाषा बोलने लगा है, चीन ने किस तरह से उसे अपने जाल में फंसा लिया। पाकिस्तान को आप देख सकते हैं, सभी देशों को आप देखिए कि आपने आस पड़ोस की, कि चीन की तरफ हम मतलब इतनी मदद करते हैं। अभी आपने कोरोना महामारी के टाइम देखा है कि हमने सबसे पहले अपने पड़ोसियों की मदद की है दवाइयों में, फिर भी हमारा साथ छोड़ के उस आदमी के पास जा रहे हैं जो मदद कभी नहीं करता है, जो सिर्फ रेड पर काम करता है। हम लोग दान पर काम करते हैं, वो रेड पर काम करता है, यानी कि हम किसी की मदद कर रहे हैं तो दोबारा हमसे उससे चाहत नहीं रखते हैं कि वो वापस करेगा, लेकिन चीन जो देता है वो वसूल कर लेता है, फिर भी उसी की तरफ भाग रहे हैं। भलाई का तो जमाना ही नहीं, एक तरह से आप यही कर सकते हैं। इससे सूरत व हुगली दोनों पुराने बंदरगाह कमजोर पड़ गए। इन बंदरगाहों से होने वाले निर्यात में नाटकीय कमी आई। पहले जिस कर्ज से व्यापार चलता था वह खत्म होने लगा। धीरे धीरे स्थानीय बैंकर दिवालिया हो गए। 17वीं सदी के आखिरी सालों में सूरत बंदरगाह से होने वाली व्यापार का कुल मूल 1.6 करोड़ रुपए था, और 1740 के दशक तक यह गिरकर केवल 30 लाख रुपए रह गया, क्योंकि अंग्रेजों के पास कई तरह की सुविधाएं भी थी और उनके पास अच्छा दिमाग भी था, समझ सकते हैं, यही कह सकते हैं। तो यहाँ का जो भी व्यापार था उसे ठप करने में वो काफी हद तक कामयाब भी रहे। ये आपको दिख रहा होगा सूरत में एक इंग्लिश फैक्ट्री, 17वीं सदी का चित्र। अब इस तरह की फैक्ट्री हमारे यहाँ थोड़ी थी, हमारे यहाँ पारंपरिक तरह के मतलब उत्पादन होता था पारंपरिक तरीके से, समझ रहे हैं? और इस एक फैक्ट्री है। सूरत बाहुली कमजोर पड़ रहे थे और बंबई व कलकत्ता की स्थिति सुधर रही थी। पुराने बंदरगाहों की जगह नए बंदरगाहों का बढ़ता महत्व औपनिवेशिक सत्ता की बढ़ती ताकत का संकेत था। नए बंदरगाहों के जरिए होने वाला व्यापार यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण में था और यूरोपीय जहाजों के जरिए जरिए होता था। बहुत सारे पुराने व्यापारिक घराने ढह चुके थे, कहने का मतलब खत्म हो चुके थे। खत्म का ये मतलब नहीं है कि मर चुके थे, खत्म होने का मतलब है कि जो भी उनका व्यापार था वो खत्म हो गया था। जो बच्चे रहना चाहते थे उनके पास भी यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के नियंत्रण वाले नेटवर्क में काम करने के अलावा कोई चारा नहीं था, यानी कि जो व्यापारी घराने बचे हुए थे या कंपनियां थी वो क्या करते थे कि यूरोपियों के साथ यानी कि अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करने लगे। वैसा ही हाल है कि वो सिंधिया ने बचा अपने आप को बचाने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया, भोपाल की महारानी ने भी साथ दिया, तो उसी तरह अगर आप उनकी छत्र छाया में रहते थे तो आप बचे रहते थे। आप भी तो जानते हैं, आपसे भी सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन होगा कल। अगर आप नेताओं के पक्ष में रहते हैं तो हो सकता है कि आपकी ट्रांसफर रुकी रहे, वरना आप देखते हैं अशोक खेमका जैसा हाल होता है कि अपनी जिंदगी में ट्रांसफर ट्रांसफर ट्रांसफर। तो इसलिए लोग सोचते हैं कि हम भी भ्रष्टाचारी बन जाते हैं, कुछ तो इसी प्रॉब्लम की वजह से भ्रष्टाचार करने लगते हैं। इस चित्र को आप लोग देखिए, जो हमारे देश में बुनकर थे उनका क्या हुआ? बुनकरों का हाल भी तो आप सुनते रहते हैं। काम पर लगा एक बुनकर, गुजरात की बात है जहां से हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं। बुनकरों का क्या हुआ? 1760 के दशक के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता की सुदृढ़ीकरण की शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट नहीं आई। ब्रिटिश कपास उद्योग अभी फैलना शुरू नहीं हुआ और यूरोप में बारीक भारतीय कपड़ों की भारी मांग थी, इसलिए कंपनी भी भारत से होने वाले कपड़े के निर्यात को और फैलाना चाहती थी। यानी कि ये शुरुआत की बात है, बुनकरों पर शुरुआत में कोई फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है, ज्यादा कुछ। 1760 से 1770 के दशक में बंगाल और कर्नाटक में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्यात के लिए लगातार सप्लाई आसानी से नहीं मिल पाती थी। बुने हुए कपड़े को हासिल करने के लिए फ्रांसीसी, डच, पुर्तगालियों के साथ साथ स्थानीय व्यापारी भी होड़ में रहते थे।
इस प्रकार बुनकर और आपूर्ति सौदागर खूब मोल भाव करते थे और अपना अपना माल सबसे ऊंची बोली लगाने वाले खरीदारों को ही बेचते थे। लंदन भेजे गए अपने पत्र में कंपनी के अफसरों ने आपूर्ति में मुश्किल और ऊंचे दामों का बार बार जिक्र भी किया। एक तरह से आप यही सोच सकते हैं कि आपके पास आप व्यापारी है, चलिए आप किसान है, ठीक है, आपके पास 10 व्यापारी खड़े हुए हैं आपकी फसल लेने के लिए, तो जो सबसे ज्यादा भाव लगा रहा होगा आप उसी को देंगे, समझ रहे हैं? आप ऐसा तो है नहीं कि सस्ते वाले को दे दें जो सबसे कम कीमत लगा रहा हो। तो इससे क्या था कि जो बुनकर थे, जो भी इस तरह का उत्पादन करते थे, वो लाभ की स्थिति में रहते थे। लेकिन आगे आगे क्या होता है उसे भी देखते हैं, परिस्थिति बदलती रहती है। लेकिन एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाने के बाद कंपनी व्यापार पर अपने व्यापार पर अपने एकाधिकार का दावा कर सकती थी। फलस्वरूप उसने प्रतिस्पर्धा खत्म करने, लागतों पर अंकुश रखने और कपास और रेशम से बनी चीजों को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू कर दी। यह काम कई चरणों में किया गया है। सीधा सा कहने का मतलब है कि आप देखते हैं कि एक व्यापारी से आप ऋण लेते हैं और आपके ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है कि आपको उसी को व्यापारी को अपनी फसल देनी होगी। इसे आप लोग गांव में बेहतर तरीके से देखते होंगे, किसानों को किस तरह से शोषण करते हैं सेठ लोग व्यापारी, वही स्थिति यहां भी बनती दिखाई देगी आपको आगे चल के। पहला चरण देखते हैं, कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करने तथा बुनकरों पर ज्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। किन्हें? इन कर्मचारियों को जो जांच पड़ताल करते थे। एक तरह से आपसे कह सकता हूं कि कोई आपके यहाँ व्यापारी है और आप पर पूरी तरह से अंकुश लगा लेता है, तो वो आप पर नजर रखने के लिए कोई अपना आदमी तय रख देता है कि आप किसी से लेन देन तो नहीं कर रहे हैं, किसी को अपनी फसल तो नहीं बेच रहे। इसी तरह का अंग्रेजों ने भी काम किया। दूसरा, कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने की पाबंदी भी लगा दी गई। इसके लिए उन्हें पेशगी रकम दी जाती थी और एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्जा दे दिया जाता था। जो कर्जा लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमास्ता को ही देना पड़ता था, उसे वे किसी और व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। मैंने किसानों का हालत बताया ना, वही हाल है कि आप जिस सेठ से कर्ज लेते हैं तो उसे ही आपको बेचना पड़ता है। और आज तो चलिए आप लोग थाने में जा सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं या कहीं शिकायत कर सकते हैं आप लोग। उस समय इस तरह की स्थिति नहीं थी, आप ही जानते हैं। आपका अगर शोषण हो रहा है तो आप चुपचाप घर में बैठे रहिए, इसके अलावा आपके पास दूसरा विकल्प भी नहीं था, ठीक है? तो उस समय की स्थिति और परिस्थितियां बहुत अलग थी, तो आप समझ सकते हैं किस तरह से शोषण हुआ होगा आगे। जैसे जैसे कर्ज मिलते गए और महीन कपड़े की मांग बढ़ने लगी, ज्यादा कमाई की आस में बुनकर पेशगी स्वीकार करने लगे। बहुत सारे बुनकरों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े थे जिन पर वे खेती करते थे और अपने परिवार की जरूरतें पूरी करते थे लेते थे। अब इस जमीन के वो भाड़े पर देकर पूरा समय बुनकरी में लगाने लगे। अब पूरा परिवार यही काम करने लगा, बच्चे व औरतें सभी कुछ ना कुछ काम करते थे। लेकिन जल्द ही बहुत सारे बुनकर गांवों में बुनकरों और गुमास्तों के बीच टकराव की खबर आने लगी। इससे पहले आपूर्ति सौदागर अक्सर बुनकर गांव में ही रहते थे। बुनकरों ने से उनके नजदीक ताल्लुकात होते थे, वे बुनकरों की जरूरतों का ख्याल भी रखते थे और संकट के समय उनकी मदद भी करते थे। नए गुमास्ता बाहर के लोग थे, उनका गाँव से पुराना सामाजिक संबंध नहीं था। वे दम पूर्ण व्यवहार करते थे, यानी कि उनके साथ खराब व्यवहार करते थे। सिपाहियों और चपरासियों को लेकर आते थे और माल समय पर तैयार ना होने की स्थिति में बुनकरों को सजा देते थे। सजा के तौर पर बुनकरों को अक्सर पीटा जाता था और कोड़े बरसाए जाते थे। अब बुनकर ना तो दाम पर मोल भाव कर सकते थे और ना ही किसी और को माल बेच सकते थे। उन्हें कंपनी से जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी, पर वे कर्जों की वजह से कंपनी से बंधे हुए थे। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि बुनकरों की स्थिति में किस तरह से बदलाव देखा जा रहा है। अब उनका शोषण का समय चालू होता है। कर्नाटक और बंगाल में बहुत सारे स्थानों पर बुनकर गांव छोड़कर चले गए और वे अपने रिश्तेदारों के यहाँ किसी और गांव में करगा लगा लिए, यानी कि अपना उद्योग लगा लिए। कई स्थानों पर कंपनी और उसके अफसरों का विरोध करते हुए गाँव का व्यापारियों के साथ मिलकर बुनकरों ने बगावत भी कर दी। कुछ समय बाद बहुत सारे बुनकर कर्जा लौटाने से इनकार करने लगे। उन्होंने करगे बंद कर दिए और खेतों में मजदूरी करने लगी। 19वीं सदी आते आते कपास बुनकरों के सामने नई नई समस्याएं पैदा हुई। आपने देखा होगा
देखिए सबके हित अलग अलग थे, किसानों के हित अलग थे, जमींदारों के हित अलग थे, बुनकरों के हित अलग थे, आप सोचिए आदिवासियों के हित अलग थे, जो भी सामाजिक कार्यकर्ता थे या अपने धर्म को बचाने की बात करते थे उनके हित अलग थे, लेकिन शोषण उनका हो रहा था एक ही आदमी के द्वारा, मतलब एक ही शोषण का एक ही जरिया था एक तरह से आप कह सकते हैं। तो आगे आपने देखा है कि जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए तो इसमें सभी पक्षों ने भाग लिया, बुनकरों ने भाग लिया, किसानों ने भाग लिया, व्यापारियों ने भी भाग लिया, क्योंकि शोषण करने वाले अंग्रेज ही थे, उनके हित अलग अलग थे, समझ रहे हैं आप लोग। किसी का किसी तरह से शोषण हो रहा था लेकिन शोषण जरूर हो रहा था, इसी के प्रति जागरूक ही वो आगे आप देखते हैं किस तरह से आंदोलन हमारे देश में होते रहे। एक कुछ भारत में मैनचेस्टर का आना, 1762 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर हेनरी पतुलो ने कहा था कि भारतीय कपड़े की मांग कभी कभी कम नहीं हो सकती है क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता है। लेकिन हम देखते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट आने लगी जो लंबे समय तक जारी रही। 1811 से 12 में सूती माल का हिस्सा कुल निर्यात में 33% था और 1850-51 में आप देखेंगे तो मात्र 3% रह गया, यानी कि सीधी सीधी 33% की 30% की गिरावट देखी गई आपकी इन सालों के बीच। एक कुछ आपका पॉइंट इससे देख लेते, पटना के आयुक्त नील का ऐसा लगता है कि 20 साल पहले जहानाबाद और बिहार में कपड़ों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था, जहानाबाद में यह बिल्कुल बंद हो गया है जबकि बिहार में बहुत कम उत्पादन होता है। यह मैनचेस्टर में बनी सस्ती और टिकाऊ वस्तुओं का परिणाम है जिससे स्थानीय निर्माता प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। जो मैंने बताया था ना कि मतलब आप सोचिए कि वहां कंपनियों जो मशीनें उनका उपयोग होने लगा, या हम लोग बुनकर क्या थे कि अपना परंपरागत जिस तरह से बनाते थे उसी तरह से लगे हुए थे, तो वो उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। ऐसा क्यों हुआ आखिर, उसके निर्धारित क्या थे, यानी कि इस व्यापार के गिरने के निर्यात क्या थे जो हम लोग निर्यात करते थे, इसका गिरावट के कारण क्या थे। जब इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ तो वहां के उद्योगपति दूसरे देशों से आने वाले आयात को लेकर परेशान दिखाई देने लगे। उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि वह आयातित कपड़े पर आयात शुल्क वसूल करे जिससे मैनचेस्टर में बने कपड़े बाहरी प्रतिस्पर्धा के बिना इंग्लैंड में आराम से बिक सके। दूसरी तरफ इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला कि वह ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाजारों में भी बेचे। 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन के वस्त्र उत्पादों के निर्यात में नाटकीय वृद्धि हुई है। 18वीं सदी के आखिर में भारत में उत्पादों का ना के बराबर निर्यात होता था। 1850 तक आते आते सूती का आयात भारतीय आयात में 31% हो चुका था और 1870 तक यह आंकड़ा 50% से ऊपर चला गया। चलिए मान लेता हूं कि मान लीजिए काश ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा, चीन पर हमारा कब्जा हो जाता है, हमारी जो भी भारत सरकार है अभी चीन पर कब्जा कर लेती है। एक शब्द आप लोगों ने यूटोपिया सुना होगा, असंभव, जो संभव ना हो उसके बारे में सोचना, ये संभव नहीं लगता है फिर भी सोच लीजिए। वहां हमारी कंपनी, हमारी भारत सरकार एक कंपनी बनाकर भेजती है चीन पर शासन करने के लिए, और चीन से जो सामान आ रहा था वो बड़ा सस्ता होता है, आप भी जानते हैं, मोबाइल देख लीजिए कुछ भी। और हमारे यहाँ के जो व्यापारी हैं, जो हमारे यहाँ के लोग हैं, ये विरोध करने लगे कि हमारे यहाँ जो उत्पादन हो रहा है वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहा है और बाहर से आने वाले चीनी सामानों पर रोक लगाई जाए, टैक्स लगाई जाए जिससे हमारे यहाँ के जो भी उद्योग धंधे हैं इन्हें संरक्षण मिल सके, हमारे यहाँ के लोगों की स्थिति सुधार सके। तो हमारी भारत सरकार क्या करेगी कि वहां के जो भी सामान आ रहा है उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी या फिर टैक्स लगा दी, जिससे क्या होगा कि वो महंगा हो जाएगा और जो हमारे यहाँ सामान बन रहा होगा वो सस्ता रहेगा, तो हमारे यहाँ के जो भी इस तरह के काम करने वाले हैं उनकी स्थिति सुधरेगी। और दूसरी बात, ऐसा करने लगे कच्चा माल मंगाने लगे हम लोग चीन से और उसे अपने यहाँ निर्माण करें, उसे सामानों में बदलें, जो जरूरत का सामान है उसे जाकर फिर चाइना में बेचने लगे, ऐसी स्थिति भी हो सकती है, तो हमारी स्थिति काफी अच्छी तक सुधर सकती है। तो यही किया इंग्लैंड में कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर काम कर रही थी, भारत पर राज कर रही थी, तो वहां के जो भी समूह थे, व्यापारी थे, उद्योगपति थे, उन्होंने अपनी सरकार पर दबाव डाला और उन्होंने कहा कि वहां से जो भारत से कपड़े आयात हो रहे बाकी देशों से उन पर रोक लगाई जाए या एक तरह से टैक्स लगाया जाए। तो यही काम किया कंपनी ने और आप देखते हैं कि बाद के दिनों में कच्चा जो सूती था वो सूत मतलब आप सोचिए कि भारत से जाने लगा और वहां से कपड़ों में बदल के कपड़ा हमारे बाजारों में आने लगे। इससे क्या हुआ कि हमारे यहाँ के जो बुनकर थे उनकी स्थिति
बदल चुकी थी और खत्म यार प्रतिस्पर्धा ही नहीं कर पाए, उनके सामने टिक ही नहीं पाए। इस प्रकार भारत में कपड़ा बुनकरों के सामने एक साथ दो समस्याएं थी, उनका निर्यात बाजार ढह रहा था, यानी कि जो भी वो सामान बेच रहे थे वो खत्म हो रहा था वो बाजार, और स्थानीय बाजार से कुड़ने लगी थी। सेंसर्स रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस में बुनकरों की कोष्ठी समुदाय के बारे में कहा जाता गया, क्या कहा गया, भारत के अन्य भागों में महीन कपड़ा बनाने वाले बुनकरों की तरह कोष्ठियों का भी बुरा समय चल रहा था। वे मैनचेस्टर से इतनी भारी तादाद में आने वाली आकर्षित चीजों का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। हाल के सालों में बड़ी संख्या में यहाँ से जाने लगे और वे मुख्य रूप से बिहार का रुख कर रहे थे, जहाँ दिहाड़ी मजदूर के तौर पर उन्हें रोजी रोटी मिल सकती थी। आप ये स्थिति समझ सकते हैं, समझ रहे हैं, ये हाल था। मुझे लगता है कि आप बेहतर तरीके से समझते होंगे। यार मुझे पता है, खुद नहीं लगता है कि कोई ऐसा कोई शब्द है इसमें जो आपको समझाऊं। मैं खुद देखता हूँ कि कोई ऐसा शब्द ही नहीं मिलता है जिस पर बात की जाए कुछ टाइम तक। बस थोड़ा बहुत ऐसा कोई मिल जाता है उसे जोड़कर बता देता हूँ। बॉम्बे हार्बर 18वीं सदी के आखिर का चित्र है। बम्बई और कलकत्ता 1780 के दशक में सिर्फ व्यापारिक बंदरगाहों के रूप में विकसित होने लगे। यह पुरानी व्यापारिक व्यवस्था के पतन और उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के विकास का समय भी था। स्थानीय बाजारों में मैनचेस्टर से आयातित मालों की भरपार हो गई, यानी कि कहने का मतलब कि जो यूरोपीय कंपनियां थे उनके जो मालिक, या एक तरह से कह सकते हैं कि उनके जो चाहते थे, उनका निर्माण वहां करने लगे। वहां से आप देखिए कि हमारे जो भी बाजार था स्थानीय बाजार भारत का, उसमें भी उनका कपड़ा ऊपर बढ़ चढ़कर भाग लेने लगा। कम लागत पर मशीनों से बनने वाले आयात कपास उत्पाद इतने सस्ते थे कि बुनकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। 1850 के दशक तक देश के ज्यादातर बुनकर इलाकों में गिरावट और बेकारी के ही किस्सों की भरमार थी। आपसे अभी कहा जाए, देखिए इतनी भी हमारे देश में भक्ति नहीं, राष्ट्रभक्ति, उस समय की स्थिति आप और अलग देख सकते हैं। आज आपसे कहा जाए कि चाइनीज कंपनी के फोन मत खरीदिए आप लोग, मुझे नहीं लगता है कि कोई देशभक्ति दिखाएगा। अभी जब हमारा लद्दाख में झड़प हुई, 20 सैनिक के करीब हमारे सैनिक शहीद हुए, उसके बाद आपने देखा है कुछ समय के लिए वायकोट चाइना चलने लगा, कई लोगों ने अपनी LCD जलाई गई, कई लोगों ने फोड़ी है। मैंने तब भी आपको शायद बताया था, कई क्लासें ली हुई थी, कि देखिए कभी ये संभव ना तो हो पाया और ना ही हो पाएगा जब तक कि हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं रहता है। आपके गरीब, वो जो भी हमारे यहाँ के गरीब हैं, उनसे कहा जाए कि आप लोग भारतीय सामान खरीदिए, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई महंगा सामान खरीदेगा, क्योंकि वही फोन आपके देश में अगर बन रहा है तो उसकी 20,000 कीमत है, वही चाइनीज कंपनी का फोन आपको 5,000 में मिल जाएगा, वही फीचर्स रहेंगे, कहीं आपको बेहतर भी फीचर्स मिल जाएंगे, तो आप सभी लोग सस्ता फोन खरीदना चाहेंगे। इतनी भी हमारे देश में राष्ट्रभक्ति नहीं है कि हम लोग 5,000 का छोड़ के 20,000 का देशभक्ति में खरीदें। हो सकता है ऐसे आत्मनिर्भर हो सकते हैं हम लोग, इस तरह से सफल भी हो सकता है जो भी आंदोलन आप लोग खड़ा करते हैं, कि हमारे पास उस फोन का जो 5,000 का फोन है चाइनीज का, उसी का दूसरा विकल्प हमारे सामने उपलब्ध हो जाए, भारतीय, यानी कि स्वदेशी, यानी कि भारत में उपलब्ध हो, तो सफल हो सकता है, क्योंकि हमें तो फोन चलाने से मतलब है, हम भारतीय फोन चलाने लगेंगे। लेकिन तब तक आप संभव मत सोचिए जब तक कि कोई दूसरा विकल्प नहीं आ जाता है। अभी आप फोन के मामले में जानते हैं कि जैसे ही आपके यहाँ बाइकॉट चाइना का सामानों की आंदोलन कुछ ज्यादा ही तरीके से चल रहा था, उस समय भी एक नया फोन आया हुआ था चाइनीज कंपनी का, मैंने देखा कि वो उसके धड़ल्ले से बिक्री हो रही थी भारत में। सबसे मजेदार तो बात यह है कि आपके किसी टीवी चैनल था, उसमें बताया रहा था, उसका एंकर चिल्ला रहा था कि चाइनीज कंपनियों को खत्म कर दीजिए। आप जानते हैं कि उनकी चिल्लाने की क्या शैली होती है, और ऐसा कर दीजिए, वाइकआउट कर दीजिए, और वो साहब खुद अपनी जो भी उनका चैनल है, वो जो भी उनका वो है, उसकी टीवी की नीचे स्क्रीन रहती है, उस पर एक एड चल रहा था चाइनीज मोबाइल कंपनी का। आप समझिए कि जनता को आप भड़का रहे हैं एक तरह से, मतलब जनता को परेशानी में डाल रहे हैं, वो आप खुद देशभक्ति ना दिखा के आप दूसरे की टुकड़ों पर पल रहे हैं, आप दूसरों से पैसा कमा रहे हैं। अगर इतना ही है तो पूरी तरह से बंद कर दीजिए, आप भी मत चलाइए एड। आज आप सबसे ज्यादा देखते हैं कि चीनी कंपनियों का एड चलाया जा रहा है टीवियों पर, हमारे देश के खुद चैनल चला रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से हम संभव हो सकते हैं। और आप लोगों से बस इतना ही कहता हूं कि आप लोग ठीक है, आप देशभक्ति गलत बात नहीं है, लेकिन जो आपके पास फोन आ चुका है उसे मत फोड़िए, क्योंकि आपका पैसा जा चुका है,
ठीक है, अगली बार से हम फोन नहीं खरीदेंगे चाइनीज कंपनी का, लेकिन कम से कम अभी तो मत ऐसा करिए, ठीक है? क्योंकि ये चैनल जो भी न्यूज पेपरों वाले होते हैं, जो भी चैनल इस तरह के, ये भड़काने का काम करते हैं। आपकी इन्हें किसी भी तरह से मदद की जरूरत नहीं है। और एक बात आप भी जानते हैं कि किसी एक्टरनी के घर में अगर बच्चा पैदा हो, प्रेगनेंट हो गई है, तो उसकी खबर आ जाती है। और गरीब का बच्चा अगर भूख से मर रहा है, उसे दिखाने के लिए आपके पास टाइम नहीं है किसने कौन सा कपड़ा पहना हुआ है, वो तो मैं दिखाने के लिए टाइम है। किसी गरीब की बेटी मर रही है, किसी कोई कुछ हो रहा है, शोषण हो रहा है, वो दिखाने का टाइम नहीं है। इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते थे, भारत का लोकतंत्र का। लेकिन आज क्या स्थिति में पहुंच चुका है आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। एक गलत बात है कि हम लोग कहें कि उस व्यक्ति की वजह से हम हारे हुए हैं। हम किसी की वजह से नहीं हारे हुए, हम अपने कर्मों की वजह से गिरे हुए हैं। आज अगर आप करें कि जो भी मीडिया है इसका सम्मान गिरता जा रहा है, ये हमारी आपकी वजह से नहीं गिर रहा है, ये उनके कर्मों की वजह से गिर रहा है। जो दोगलापन फैलाए हुए हैं वो लोग, उसकी वजह से गिर रहा है। उसे निष्पक्ष होकर सभी का साथ देना चाहिए, गरीब जनता की आवाज उठानी चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि नेताओं की भाषा बोलते हैं, तो यही हाल है। खैर छोड़िए, 1860 के दशक में बुनकरों के सामने नई समस्याएं खड़ी हो गई। उन्हें अच्छी कपास नहीं मिल पा रही थी। जब अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हुआ और अमेरिका से कपास की आमद बंद हो गई, तो ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मंगाने लगा और भारत से कच्चे कपास के निर्यात में इस वृद्धि से उसकी कीमत आसमान छूने लगी। भारतीय बुनकरों को कच्चे माल में लाले पड़ गए। उन्हें मनमानी कीमत पर कच्चे माल, कच्ची कपास खरीदनी पड़ती थी। ऐसी सूरत में बुनकरों के सारे पेट पालना संभव नहीं हो सकता था। आप ही सोचिए कि आप अगर सस्ता ना मिले कोई सामान, तो आप भी नहीं खरीदना, आप भी बनाना ना चाहेंगे। तो यही हाल हुआ, इस तरह से भी काफी शोषण हुआ। 19वीं सदी के आखिर में बुनकरों और कारीगरों के सामने एक और समस्या आ गई। जब भारतीय कारखानों में उत्पादन होने लगा और बाजार मशीनों की बनी चीजों से पट गया, यानी कि मशीनों की बनाई चीजें आने लगी बाजार में, तो ऐसे में बुनकर उद्योग किस तरह कायम रह सकता था? एक तरह से आप कह सकते हैं किस तरह से उनसे प्रतिस्पर्धा कर सकते थे, उनके जो सामान बाजार में आ रहे थे उनका प्रतिस्पर्धा या उनके साथ कॉम्पिटिशन करना संभव नहीं था। वही हाल है कि आप मान लीजिए कि एक बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है और आप VIP स्कूल में पढ़ते हो, आप दोनों के बीच मुझे नहीं लगता है कि कंपटीशन होगा, प्रतिस्पर्धा होगी। आप उससे बहुत आगे निकल जाएंगे, क्योंकि सरकारी स्कूल में आप समझ रहे हैं क्या हालत रहती है। तो यही हाल उस समय देखा गया। एक घटना को दूसरी घटना से जोड़ के पढ़ते रहा करिएगा, क्या होता है कि याद भी रहता है काफी हद तक, ठीक है? या कोई समस्या है आपको समझ में नहीं आ रही, तो उस जगह अपने आप को रख लिया करिएगा, तब मुझे लगता है कि बेहतर निर्णय ले सकते हैं। कोई कहीं कुछ कर रहा है तो आप उसकी जगह अपने आप को रखा करिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि उसका दुख दर्द क्या होता है। अब चलते हैं हम लोग फैक्ट्रियों का आना। बंबई में पहली, भारत की बात कर रहा हूं, भारत के परिप्रेक्ष्य में, बंबई में पहली कपड़ा मिल 1854 में लगी और 2 साल बाद उसमें उत्पादन होने लगा। 1862 तक वहां ऐसी 4 मिलें काम कर रही थी। उसमें 94,000 तकलियां और 2150 यानी कि 2150 करघे लगे हुए थे। उसी समय बंगाल में जूट मिलें खुलने लगी। वहां देश की पहली जूट मिल 1855 में और दूसरी 7 साल बाद यानी कि 1862 में चालू हुई। उत्तरी भारत में एल्गिन मिल 1860 के दशक में कानपुर में खुली। इसके साल भर बाद अहमदाबाद की पहली कपड़ा मिल भी चालू हो गई। 1874 में मद्रास में भी पहली कताई और बुनाई मिल खुली। तो इस तरह के आपके वनडे एग्जाम के लिए भी पॉइंट बन जाते हैं। कई बार पूछ लेता है कि पहली कपड़ा मिल कहाँ खुली थी, कब खुली थी, तो आप बता सकते हैं कि 1854 में बंबई में। और अगर आपसे पूछे कि देश की पहली जूट मिल कब खुली थी, तो बंगाल में खुली थी, 1855 के करीब की बात है। ये उद्योग कौन लगा रहा था, उनके लिए पूंजी कहाँ से आ रही थी, मिलों में काम करने वाली कौन थे, इसके बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, जमशेद जी जीजी भोए। जीजी भोए एक पारसी बुनकर के बेटे थे।
अपने समय के बहुत सारे लोगों की तरह उन्होंने भी चीन के साथ व्यापार और जहाजरानी का काम किया था। उनके पास जहाजों का एक विशाल बेड़ा भी हुआ करता था। अंग्रेज और अमेरिकी जहाज कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण 1850 के दशक तक उन्हें सारे जहाज बेचने पड़े थे। बात करते हैं प्रारंभिक उद्यमी। देश के विभिन्न भागों में तरह तरह के लोग उद्योग लगा रहे थे। आइए देखें ये लोग कौन थे आखिर। बहुत सारे व्यवसायी समूहों का इतिहास चीन के साथ व्यापार को के जमाने से चला आ रहा था। जैसा कि पिछले साल की किताब में आपने पढ़ा भी था कि 18वीं सदी के आखिर से ही अंग्रेज भारतीय अफीम का चीन को निर्यात करने लगे थे, क्योंकि चीन में अफीम का कुछ ज्यादा ही मांग थी। उसके बदले में वे चीन से चाय खरीदते थे और इंग्लैंड जाती थी। इस व्यापार में बहुत सारे भारतीय कारोबारी सहायक की हैसियत में पहुंच गए थे। वे पैसा उपलब्ध कराते थे, आपूर्ति सुनिश्चित करते थे और माल को जहाजों में लादकर रवाना करते थे। व्यापारी से पैसा कमाने के बाद इस व्यापार से उन्होंने पैसा कमाया। उनसे कुछ व्यवसायी भारत में औद्योगिक उद्यम स्थापित करना चाहते थे। बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर ने चीन के साथ व्यापार में खूब पैसा कमाया और वे उद्योग में निवेश करने लगे। 1830 से 1840 के दशक में उन्होंने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगा दी थी। 1840 के दशक में आए व्यापारिक व्यावसायिक संकटों में औरों के साथ साथ टैगोर के उद्यम भी बैठ गए, यानी कि बर्बाद हो गए। लेकिन 19वीं सदी के में चीन के साथ व्यापार करने वाले बहुत सारे व्यवसायी सफल उद्योगपति भी साबित हुए। बंबई में डेनसो पेटिट और आगे चल के देश में विशाल औद्योगिक साम्राज्य स्थापित करने वाले जमशेदजी नौसरवानजी टाटा जैसे पारसियों ने आंशिक रूप से चीन से को निर्यात करके और आंशिक रूप से इंग्लैंड को कच्ची कपास निर्यात करके पैसा कमा लिया था। और 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाली मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद ने भी चीन के साथ व्यापार किया था, और यही काम प्रसिद्ध उद्योगपति जीडी बिड़ला के पिता और दादा ने किया था। तो हमारे देश में भी कई उद्योगपति थे बड़े। ये आप पिक्चर्स देख रहे होंगे कि द्वारकानाथ टैगोर की है। द्वारकानाथ टैगोर का विश्वास था कि भारत पश्चिमीकरण और औद्योगीकरण के रास्ते पर चलकर ही विकास कर सकता है। उन्होंने जहाजरानी, जहाज निर्माण, खनन, बैंकें, बागान और बीमा क्षेत्र में निवेश किया था। समझ रहे हैं? पूंजी इकट्ठा करने के लिए अन्य व्यापारिक नेटवर्कों का सहारा भी लिया गया। इस समय मद्रास के कुछ सौदागर बर्मा से व्यापार करते थे, जबकि कुछ वे मध्य पूर्व व पूर्वी अफ्रीका में भी संबंध रखते थे। बर्मा आप लोग आज जैसे म्यांमार करते हैं, उस समय बर्मा हुआ करता था। इनके अलावा भी कुछ वाणिज्यिक समूह थे, लेकिन वे विदेश व्यापार से सीधे जुड़े नहीं थे। वे भारत में ही व्यवसाय करते थे। वे एक जगह से दूसरी जगह माल ले जाते थे, सूद पर पैसा भी चलाते थे यानी कि ऋण भी देते थे, एक शहर से दूसरे शहर में पैसा भी पहुंचाते थे और व्यापारियों को पैसा देते थे। जब उद्योगों में निवेश के अवसर आए तो उनमें से बहुत ने फैक्ट्रियां लगा ली। अपनी क्या किया? अपने उद्योग धंधे यानी कि फैक्ट्रियां लगा ली। जैसे भारतीय व्यापार पर उपनिवेशिक शिकंजा कसता गया, वैसे वैसे भारतीय व्यवसायियों के लिए जगह सिकुड़ती गई। उन्होंने अपना तैयार माल यूरोप में बेचने से रोक दिया। अब वे मुख्य रूप से कच्चे माल अनाज, कपास, अफीम, गेहूं, नील का ही निर्यात कर सकते थे, जिनकी अंग्रेजों को जरूरत थी। धीरे धीरे उन्हें जहाजरानी व्यवसाय से भी बाहर धकेल दिया गया। एक तरह से सीधा सा मतलब है कि अंग्रेज कह रहे थे नहीं ये पानी है तो पानी कहना पड़ रहा था आपको, कई कह रहे थे कि ये दूध है तो दूध कहना। यहाँ मेरा मतलब ये है कहने का मतलब कि अगर आप अंग्रेजों से मिलकर रहते हैं, वो कहते हैं जैसा करते हैं आप लोग, तो आपको कुछ व्यवसाय करने की छूट दे दी जाती थी, और वही व्यवसाय छूट दी गई थी जो अंग्रेजों के लिए जरूरी है, आमदनी का सौदा था। समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि नील का आप जानते हैं, अफीम का जानते हैं, कच्ची कपास का बात करते हैं, तो अंग्रेजों को जरूरत थी इसकी, इसीलिए आप लोगों को मतलब आपके यहाँ के जो भी उद्योग घराने थे उन्हें इस तरह की छूट दी गई। ये आपको पिक्चर्स दिख रही होगी ऊपर, साझेदारों की टोली JN टाटा, RD टाटा, सर RJ टाटा और सर DJ टाटा। 1912 में JN टाटा ने जमशेदपुर में भारत का पहला लोहे एवं इस्पात संयंत्र स्थापित किया। भारत में लोहे एवं इस्पात उद्योग कपड़ा उद्योग के काफी बाद शुरू हुआ। कपड़ा उद्योग बहुत पहले हमारे यहाँ शुरू हो गया था। उपनिवेशिक भारत में औद्योगिक मशीनरी, रेलवे, लोकोमोटिव का ज्यादातर आयात ही किया जाता था, यानी कि बाहरी देशों से आयात करते थे। इसलिए स्वतंत्रता मिलने तक भारी उद्योग कोई खास आगे नहीं बढ़ सकता है। और वैसे याद रखिए कि स्वतंत्रता के बाद ही आपने देखे हैं कि उद्योग
काफी प्रगति कर सके क्योंकि उन्हें अधिकार दे दिए गए। फिर आज आप देखते हैं, आज आपको स्वतंत्रता जो मिली हुई है उस समय नहीं मिली थी। आज कहीं भी आप व्यवसाय कर सकते हैं, बस बस सकते हैं, कोई भी काम अपना सकते हैं, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, समझ रहे। पहले विश्व युद्ध तक यूरोपीय प्रबंधीय एजेंसियां भारतीय उद्योगों के विशाल क्षेत्र पर का नियंत्रण भी करती थी। इनमें बर्ड हीगलर्स एंड कंपनी, एंड्रयू ईयूल और जार्डिन स्कैनर एंड कंपनी सबसे बड़ी कंपनियां थी। ये एजेंसियां पूंजी जुटाती थी, संयुक्त उद्यम कंपनियां लगाती थी और उनका प्रबंधन भी संभालती थी। ज्यादातर मामलों में भारतीय वित्त पोषक फाइनेंसर पूंजी उपलब्ध कराते थे, जबकि निवेश और व्यवसाय से संबंधित फैसले यूरोपीय एजेंसियां लेती थी। यूरोपीय व्यापारियों उद्योगपतियों के अपने वाणिज्यिक परिसंघ थे जिनमें भारतीय व्यवसायियों को शामिल नहीं किया जाता था। इसे आज के आप लोग नेताओं की तरह ले सकते हैं। आज अगर आप ठेकेदारी करते हैं तो देखते होंगे कि ठेकेदारी में नेता ही सम्मिलित रहते हैं। आप पैसा लगाते हैं और ठेकेदार ही इस तरह के काम देखते हैं, वही करवाते हैं, तो आप केवल पैसा लगाने के लिए होते हैं। आज भी आप देखेंगे कई क्षेत्रों में इस तरह के दिखाई देंगे। तो यही स्थिति उस समय व्यापार की थी, फैक्ट्रियों की। अब जैसा कि आप जानते हैं कि फैक्ट्रियां लगेंगी तो उसके लिए मजदूर की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये मजदूर आए कहां से हैं, इस पर भी बात कर लेता हूं। फैक्ट्रियां होंगी तो मजदूर भी होंगे। फैक्ट्रियों के विस्तार से मजदूरों की मांग बढ़ने लगी। 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में 584,000 मजदूर काम करते थे और 1946 तक ये बढ़कर संख्या कितनी हो गई, 24,36,000 हो चुकी थी। ये मजदूर आखिर कहां से आए? ज्यादातर औद्योगिक इलाकों में मजदूर आसपास के जिलों से आते थे। जिन किसानों कारीगरों को गांव में काम नहीं मिलता था वे औद्योगिक केंद्रों की ओर तरफ जाने लगते थे। 1911 में बंबई के सूती कपड़ा उद्योगों में काम करने वाले 50% से ज्यादा मजदूर पास के रत्नागिरी जिले से आए थे। कानपुर की मिलों में काम करने वाले ज्यादातर कानपुर जिले के ही गांव से आते थे। मिल मजदूर बीच बीच में अपने गांव जाते रहते थे और भी फसलों की कटाई पर त्योहार के समय भी गांव लौट जाते थे। एक बात और आपको बताऊं, जब आप कहीं उद्योग लगाते हैं तो आप सोचिए कि अगर आप किसी शहर में उद्योग लगा रहे हैं तो वहां जो स्थानीय लोग रहेंगे वो आपको कम श्रम पर भी, कम वेतन पर भी मजदूरी करने के लिए राजी हो जाएंगे। अगर आप बाहर से काम करवाने वाले मंगाते हैं तो उन्हें रहना पड़ेगा, वहां उन्हें व्यवस्था देखनी पड़ेगी, अपना घर जमाना पड़ेगा, इसके लिए आपको ज्यादा वेतन देना पड़ेगा। तो अधिकतर मामलों में ऐसा ही देखा जाता था कि आसपास के लोगों को रख लिया जाता था। और आप भी जानते हैं कि अगर बाहरी लोग आते भी हैं तो जैसे आज का सूरत ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, आपके ग्रामीण क्षेत्रों से लोग जाते हैं काम करने के लिए। आप देखते हैं कि जब फसल तैयार होती है तो उस समय भी उन्हें रोजगार गांव में ही मिल जाता है तो वो लौट आते हैं गांव में, या फिर आप त्योहारों पर देखते हैं कि बाहर से लोग लौट आते हैं घर अपना। तो यही होता था उस समय। बाद में जब नए कामों की खबर मिली तो दूर दूर से भी लोग आने लगे। उदाहरण के लिए संयुक्त प्रांत के लोग बंबई के कपड़ा मिलों और कलकत्ता की जूट मिलों में काम करने के लिए पहुंच रहे थे। संयुक्त प्रांत कहने का मतलब उत्तर प्रदेश की बात, इन्हीं क्षेत्रों की बात की जा रही है। आप आज भी तो देखते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा लोग काम करने के लिए बाहरी शहरों में जाते हैं, इतनी गरीबी है। इस चित्र को देख रहे होंगे आपके सामने। बंबई के एक मिल के युवा कामगार 20वीं सदी की शुरुआत, जब मजदूर गांव जाते थे तो अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश करते थे। इसका एक अच्छा उदाहरण है कि आपने देखा होगा कि कोई बंबई या दिल्ली काम करने जाता है, मजदूरी भी करता है, तो वो बड़े कपड़े पहन के आएगा स्टाइल वाले, और एक बड़ा लंबा फोन भी लेके आएगा, जो फोन किस कंपनी का होगा, चाइनीज, सबसे सस्ता फोन होगा, और जूते पहनेगा रेड कलर के यानी कि लाल कलर के, कपड़े भी उसी रंग बिरंग के भी पहनेगा। आप लोग इस तरह की देखते हैं मामले में आप लोग किसी शहर में, कि मतलब आप अलग से पहचान जाएंगे कि ये मजदूरी करके आ रहा है, अपना रौब जमा रहा है। चलिए खैर छोड़िए, उनकी भी अपनी खुशी है, मनाने दीजिए। नौकरी पाना इस समय भी मुश्किल था। हालांकि मिलों की संख्या बढ़ती जा रही थी और मजदूरों की मांग भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन रोजगार चाहने वाले बालों की संख्या रोजगार के मुकाबले हमेशा ज्यादा रहती थी। मिलों में प्रवेश भी निषिद्ध यानी कि बड़ी मुश्किल से होता था। उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्रायः एक जॉबर रखते थे। जॉबर कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था, यानी कि जॉब एक तरह से आप कोई कंपनी खोलते हैं उसमें एक कोई ऐसा व्यक्ति रख देते हैं जो आने वाले लोगों के लिए रोजगार देगा, वही जैसा उसकी इच्छा चाहेगी वो जिसे भी चाहेगा उसे रख सकता है, जिसे भी चाहे निकाल सके, तो इसी तरह के व्यक्ति को जॉबर कह देते हैं, ठीक है। वह अपने गांव के लोगों को लाता था, उन्हें काम का भरोसा भी देता था, उन्हें शहरों में जमने के लिए मदद भी देता था, मुसीबत में पैसों से मदद करता था,
इस प्रकार जौबर ताकतवर और मजबूत व्यक्ति बन गया और बाद में जौबर मदद करने के बदले पैसे व तोहफों की मांग करने लगे और मजदूरों की जिंदगी को नियंत्रित करने लगे। एक तरह से आप ये जानते हैं कि जब कोई आपका खास हो तो वो आपको ही नौकरी देगा, आपके ही गांव वालों को अपने गांव को पहले संभालेगा। समय के साथ फैक्ट्री मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन जैसा कि आप देखेंगे कुल औद्योगिक श्रम शक्ति में उनका अनुपात बहुत छोटा ही था। इस पिक्चर्स को आप देख रहे होंगे, मुख्य जौबर, इस चित्र में देखेंगे उसका अंदाज उसके कपड़ों में से जौबर की सत्ता का पता चलता है, यानी कि ठाटवाट का। यहाँ कुछ आपका पॉइंट है। बंबई के एक मिल मजदूर बसंत पारकर ने कहा कि मजदूर अपने बेटों को मिल में काम पर रखवाने के लिए जौबर को पैसा देते थे। मिल मजदूर शारीरिक और भावनात्मक रूप से उसके गांव से गहरे तौर पर जुड़े हुए थे। वह गांव जाकर फसलों की कटाई करता था और कोंकड़ी लोग धान काटने और घाटी यानी कि गन्ना काटने गांव में जाते थे। यह एक स्वीकृत व्यवस्था थी जिसके लिए मिल वाले छुट्टी दे देते थे। जौबर उन्हें अलग अलग इलाकों में सरदार या फिर मिस्त्री आदि भी कहते थे, ये जौबर थे। इस तरह की व्यवस्थाएं आप लोग अपनी जिंदगी में भी देखते रहते हैं, उन्हीं से जोड़कर देखता रहे देख लिया करिएगा, समझ में भी आ जाता है। नौकरी दिलाने के लिए अभी तो कई बाप इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, ठीक है, अपने बेटों के लिए। यहां भी देख लेते हैं, भाई भोसले बंबई के ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता थे और 1930 से 40 के दशकों में बिताए अपने बचपन को उन्होंने इस प्रकार याद किया। उस जमाने में 10 घंटे की शिफ्ट होती थी यानी काम करने की, शाम 5 बजे से सुबह 3 बजे तक काम के सबसे भयानक घंटे। मेरे पिताजी ने 35 साल की नौकरी की, उन्हें दमा जैसी बीमारी हो गई और वे काम करने से लाचार हो गए। इसके बाद मेरे पिताजी वापस गाँव चले गए। एक बात और होती है, इस तरह के कामों में अगर आप लोग लगे रहते हैं, एक आपने देखा होगा आटा चक्की, अगर आप कुछ ज्यादा ही दिन चला लीजिए, आप कुछ ही दिन मतलब आपकी जीवन की जो लाइफ टाइम है वो उसमें से कई साल घट जाएंगे। वहां भी आप देखते हैं कि किस कितनी भयानक बीमारियां आपको घेर लेंगी, टस की वजह से ढस होती है जो, या फिर आप लोग देखते हैं कि कहीं आपने देखा होगा केसर मशीनें लगी रहती हैं गिट्टी निकालने वाली, वहां के आसपास के लोगों को देखिए सांस लेने में कितनी प्रॉब्लम होती है, दमा जैसी इस तरह की बीमारियां भी होने लगती हैं। तो इनमें भी इस तरह की बात होती थी, ये आपको दिख रहा है ना। अहमदाबाद के एक मिल में कताई में लगी मजदूर औरतें मुख्य रूप से कताई विभाग में ही काम करती थी। बोस्टर, भारत का मैनचेस्टर या बोस्टर, इसे ही तो कहते हैं अहमदाबाद, और कानपुर का सॉरी उत्तर प्रदेश का कानपुर। आगे बढ़ते हैं औद्योगिक विकास का अनूठापन। भारत में औद्योगिक उत्पादन पर वर्चस्व रखने वाली यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियों की कुछ खास तरह के उत्पादों में ही दिलचस्पी थी। उन्होंने औपनिवेशिक सरकार से सस्ती कीमत पर जमीन लेकर चाय व कॉफी के बागान लगाए और खनन, नील व जूट व्यवसाय में भी पैसे का निवेश किया। इनमें से ज्यादातर ऐसे उत्पाद थे जिनकी भारत में बिक्री के लिए नहीं बल्कि मुख्य रूप से निर्यात के लिए आवश्यकता थी। नील को आप ले सकते हैं कि नील की सबसे ज्यादा मांग थी कहां, यूरोपीय देश जो भी थे तो इसी के लिए वो लोग उत्पादन करते थे भारत में, यहाँ से कच्चा माल वहां नील भेजते थे, वहां कपड़ों की रंगाई के लिए इसका उपयोग होता था। चाय कॉफी में भी इस तरह का आप बात कर सकते हैं, खनन भी देख सकते हैं लोहे का, इस तरह की जो भी धातुएं हैं। 19वीं सदी के आखिर में जब भारतीय व्यवसायी उद्योग लगाने लगे तो उन्होंने भारतीय बाजार में मैनचेस्टर की बनी चीजों से प्रतिस्पर्धा नहीं की। भारत आने वाले ब्रिटिश मालों में धागा बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए भारत के शुरुआती सूती मिलों में कपड़े की बजाय मोटे सूती धागे ही बनाए जाते थे। जब धागे का आयात किया जाता था तो वह हमेशा बेहतर किस्म का होता था। भारतीय कताई मिलों में बनने वाले धागे का भारत के हथकरघा बुनकर इस्तेमाल करते थे और उन्हें चीन को निर्यात किया जाता था। 20वीं सदी के पहले दशक तक भारत में औद्योगिकरण का ढर्रा कई बदलावों की चपेट में आ चुका था। स्वदेशी आंदोलन को गति मिलने से राष्ट्रवादियों ने लोगों को विदेशी कपड़े के बहिष्कार के लिए प्रेरित किया। औद्योगिक समूह अपने सामूहिक हितों की रक्षा के लिए संगठित हो गए। उन्होंने आयात शुल्क बढ़ाने और अन्य निर्यात देने के लिए सरकार पर दबाव भी डाला। 1906 के बाद चीन भेजे जाने वाले भारतीय धागे के निर्यात में भी कमी आने लगी। चीनी बाजारों में चीन और जापान की मिलों के उत्पाद छा गए। फलस्वरूप भारत के उद्योगपति धागे की बजाय कपड़ा बनाने लगी और 1900 से 1912 के बाद के भारत में सूती कपड़े का उत्पादन दोगुना हो गया। एक बात और बताऊं, स्वदेशी आंदोलन इसी समय चलता है आपका 1906 के करीब, आप देखते हैं उस समय ये सक्सेस भी रहा है,
क्यों रहा है? क्योंकि हम लोग ज्यादा दूसरे देशों पर निर्भर नहीं थे। आज का टाइम बदल चुका है। आज अगर इस तरह का आप आंदोलन चलाते हैं कोई स्वदेशी, तो सफल होने के लिए, इसे सफल बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आज हम दूसरे देशों पर पूरी तरह से, कई क्षेत्रों में पूरी तरह से भी निर्भर हैं। आप देख रहे हैं, अगर उन्हें हमें निर्भरता घटानी है, आत्मनिर्भर बनना है, तो हमें सबसे पहले अपना विकल्प चुनना होगा। एक ऐसा विकल्प देना होगा इस जनता को कि मतलब वो वहां से जो भी सामान आ रहा है उन्हें खरीदने की बजाय अपना खरीदे। उस समय जरूरत क्या होती थी? अपना कपड़ा मिल जाए, खाने पीने की वस्तु मिल जाए, बस काफी था। और इसी लिए उस समय ये जो स्वदेशी आंदोलन हुआ काफी सफल भी रहा, समझ रहे? पहले विश्व युद्ध तक औद्योगिक विकास धीमा रहा। युद्ध ने एक बिल्कुल नई स्थिति पैदा कर दी। ब्रिटिश कारखाने सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे, इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया और भारतीय बाजारों को रातों रात एक विशाल देशी बाजार मिल गया। युद्ध लंबा खींचा तो भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, ट्रेंट चमड़े के जूते, घोड़े, खच्चर की जीन और तथा बहुत सारे अन्य सामान भी बनने लगे। नए कारखाने भी लगाए जाने लगे। ये चित्र आपको दिख रहा होगा, मद्रास के चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पहला दफ्तर है। 19वीं सदी के आखिर तक देश के विभिन्न क्षेत्रों के व्यवसाय मिलकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाने लगे, ताकि सही तरह से व्यवसाय कर सके और सामूहिक चिंता के मुद्दों पर फैसला भी ले सके। अब बात करते हैं, पुराने कारखाने कई पालियों में चलने लगी। बहुत सारे नए मजदूरों को काम पर रखा गया और हर एक को पहले से भी ज्यादा समय तक काम करना पड़ता था। युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा, क्योंकि जरूरत भी महसूस हो रही थी। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में मैनचेस्टर को पहले वाली हैसियत कभी हासिल नहीं हो पाई है। यानी कि पहले विश्व युद्ध आप जानते हैं कि 1914 से 1918 तक चलता है आपका, उसके बाद खत्म होता है। 1919 में जाके पहला विश्व युद्ध खत्म होता है। तो जो पहले मैनचेस्टर वाले कपड़ों की हैसियत थी भारतीय बाजारों में, वो अब उन्हें हासिल नहीं हो पाई। और आप जानते हैं कि ठंडे भी पड़ने लगे थे उन पहले विश्व युद्ध के बाद। आपने देखा है कि भारत में जो भी आंदोलन चल रहे थे काफी सक्सेस हो रहे थे, अंग्रेजों में वो शक्ति नहीं रही थी, समझ रहे? एक समय आप कह सकते हैं कि अमेरिका जो शक्तिशाली हुआ करता था, आज की दुनिया में वो शक्तिशाली अमेरिका नहीं रहा है। कहा जाता था एक बार कि वो अगर अमेरिका को छींक आती है तो बाकी दुनिया को सर्दी हो जाती है, इतना शक्तिशाली था। आज देखिए चीन भी टक्कर दे रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से घुटने ईरान में हुए, फिर अफगानिस्तान में हो, आतंकी समूहों के सामने घुटने टेक चुका है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि अमेरिका वो अमेरिका नहीं रहा है, या फिर कह सकते हैं कि कांग्रेस हमारे देश की गांधी वाली कांग्रेस नहीं रही है, अब पूरी तरह से बदल चुकी है, ठीक है? आधुनिकीकरण ना कर पाने और अमेरिका, जर्मनी व जापान के मुकाबले कमजोर पड़ जाने के कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। कपास का उत्पादन बहुत कम रह गया था और ब्रिटेन से होने वाले सूती कपड़े के निर्यात में जबरदस्त गिरावट आई। उपनिवेशों में विदेशी उत्पादों को हटाकर स्थानीय उद्योगपतियों ने घरेलू बाजार पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत बना ली। एक और आपको बात बताऊं, कभी भी आपने आपसी लड़ाई में भी देखा होगा, अगर आप किसी का मर्डर कर देते हैं या कोई आपका मर्डर कर देता है, तो आप सोचिए होते दोनों ही बर्बाद हैं। तो युद्ध की यही स्थिति है कि युद्ध में दोनों, जीतने वाली पार्टी भी बर्बाद होती है और हारने वाली भी पार्टी बर्बाद होती है। आपने देखा है, आपको गुस्सा आया, आपने किसी को मार दिया, वो तो चला गया, वो भी बर्बाद हो गया, उससे ज्यादा आप बर्बाद हो गए। आप सजा काटेंगे जब तक आपकी पूरी जिंदगी खत्म, समझ रहे? तो बड़े ध्यान से इस तरह के झगड़ों से दूर रहिए और आप अपना अपने लिए जिया करिए। दूसरे को नीचा गिराने से अच्छा है कि आप अपनी तरक्की पर ध्यान दीजिए, दूसरा क्या कर रहा है करने दीजिए उसे। अब बात करते हैं लघु उद्योगों की बहुतायत। हालांकि युद्ध के बाद फैक्ट्री उद्योगों में लगातार इजाफा हुआ, लेकिन अर्थव्यवस्था में विशाल उद्योगों का हिस्सा बहुत छोटा था। उनमें से ज्यादातर 1911 में 67% बंगाल और बंबई में स्थित थे। याद रखिए यही मेन उस समय का क्षेत्र था, बंबई और बंगाल। आप देखते हैं, जब भी देखते होंगे बंगाल में आंदोलन हो रहा है, बंबई में हो रहा है, बाकी पूरे देश में छोटे छोटे स्तर के उत्पादन का ही दबदबा रहा। पंजीकृत फैक्ट्रियों में कुल औद्योगिक श्रम शक्ति का बहुत छोटा हिस्सा ही काम करता रहा और यह संख्या 1911 में 5% और 1931 में 10% थी। बाकी मजदूर गली मोहल्लों में स्थित छोटी छोटी वर्कशॉप और घरेलू इकाइयों में काम करते थे। कुछ मामलों में तो 20वीं सदी के दौरान हाथ से होने वाले उत्पादन से दरअसल इजाफा हुआ,
यह बात हथकरघा क्षेत्र के बारे में भी सही है, जिसमें हमने पीछे चर्चा भी की थी। सस्ते मशीन निर्मित धागे से 19वीं सदी में कताई उद्योग को तो खत्म कर दिया गया था, लेकिन तमाम समस्याओं के बावजूद बुनकर अपना व्यवसाय किसी तरह चलाते रहे। 20वीं सदी में हथकरघों पर बने कपड़े के उत्पादन में लगातार सुधार भी हुआ है, और 1900 से 1940 के बीच यह 3 गुना हो चुका था। इस समय क्या हुआ कि स्वदेशी पर कुछ ज्यादा ही, मतलब अपने देश के कपड़ों पर कुछ ज्यादा ही महत्व दिया जा रहा था। आपने देखा है, गांधी जी का यही कहना था कि अपने यहाँ के बने कपड़ों को पहनिए, जिससे हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे लोगों की स्थिति सही होगी। समझ रहे, जो सौ अभी आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है ना, कि अपने यहाँ के लोगों की, अपने यहाँ के उद्योग धंधों को महत्व दीजिए। ये आपको दिख रहा होगा, हाथ से बुना कपड़ा है, कितना वीआईपी, आप समझ सकते हैं कितनी बुनाई करते थे। हाथ से बुने कपड़े में महीन डिजाइन की मिलों में नकल नहीं की जा सकती थी। ऐसा कैसे हुआ आखिर? इसके पीछे आंशिक रूप से तकनीकी बदलाव का हाथ था। अगर लागत में बहुत ज्यादा इजाफा ना हो और उत्पादन बढ़ सकता हो, तो हाथ से काम करने वाले वालों को नई तकनीकी अपनाने में कोई परेशानी नहीं होती। इसलिए 20वीं सदी के दूसरे दशक तक आते आते हम ऐसे बुनकरों को देखते हैं जो फिलाई शटल बना वाले कर्घों का इस्तेमाल करते थे। इसके कामगारों की उत्पादन क्षमता बढ़ी, उत्पादन तेज हुआ, श्रम की मांग में कमी आई, और 1941 तक भारत में 35% से ज्यादा हथकरघों में फिलाई शटल लगे होते थे। तैवनकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल आदि क्षेत्रों में तो ऐसे हथकरघे 70 से 80% तक थे। इसके अलावा भी कई छोटे छोटे सुधारों के लिए किए गए, जिनमें बुनकरों को अपने उत्पादकता बढ़ाने और मिलों से मुकाबला करने में मदद भी मिली। यहाँ ये आपने शब्द सुना है, फिलाई शटल, ये आखिर होता क्या है? फिलाई शटल या रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार था, जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह छेदित धागे को लंबवत धागे में पिरो देती थी है, और फिलाई शटल के आविष्कार से बुनकरों को बड़े करघे चलाना, चौड़ी अरज का कपड़ा बनाने में काफी मदद भी मिली थी इससे। आगे चलते हैं, मिलों के साथ प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर पाने के मामले में कुछ बुनकर औरों से बेहतर स्थिति में थे। बुनकरों में से कुछ मोटा कपड़ा बनाते थे, जबकि कुछ महीन किस्म के कपड़े भी बुनते थे। मोटे कपड़े को मुख्य रूप से गरीब ही खरीदते थे, उनकी मांग में भी भारी उतार चढ़ाव आते थे। खराब फसल और अकाल के समय, जब ग्रामीण गरीबों के पास खाने को कुछ नहीं होता था और नगद आय के साधन खत्म हो जाते थे, तो वे कपड़ा नहीं खरीद सकते थे। वे बेहतर किस्म के कपड़े की मांग खाते पीते तबके में ज्यादा थी, उसमें उतार चढ़ाव कम आते थे, और जब गरीब भूखों मर रहे होते थे तब भी अमीर यह कपड़ा खरीद सकते थे। अकालों से बनारसी या फिर बालूचरी साड़ियों की बिक्री पर असर नहीं पड़ता था। वैसे भी जैसा कि आप देख चुके हैं कि मिल विशेष प्रकार की बुनाई की नकल नहीं कर सकते थे। बुने हुए बॉर्डर बाली साड़ियों या फिर मद्रास की प्रसिद्ध लुंगियों की जगह ले लेना मिलों के लिए आसान नहीं था। लॉकडाउन में भी तो आपने देखा है कि इसमें मरा कौन है, गरीबी तो मरा, जिसके पास सुविधा नहीं थी। क्या अमीरों पर कोई फर्क नहीं पड़ा ना, उनकी तो वही स्थिति है जो पहले थी, तो यही देखा गया है। और आज भी तो आप देखते हैं, जब भी कपड़ा खरीदने जाते हैं तो पतला कपड़ा पहनने की आपकी इच्छा होती है, और जो गरीब होते हैं वो उस हिसाब से अपने कपड़े खरीदते हैं। तो इसमें क्या है, कुछ नहीं है मुझे लगता है समझने लायक। आप तो एनसीईआरटी पूरी पढ़िए और देखिए कहीं आपको ऐसा शब्द मिले कि जो समझ में ना आए, बताइए मुझे। और मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि अगर आपको इसके बाद भी अगर लगता है कि कुछ शब्द रहे, तो आप फेसबुक पर मुझे मैसेज कीजिए, मैं वहां समझा दूंगा। अब यहां मुझे जो समझ में आता है उतना मैं बता देता हूँ। मुझे इतना तो आप लोगों पर भरोसा है कि आप लोग काफी आगे निकल चुके हैं। मैं तो सोचता हूँ कभी कभी कि मुझसे भी आप लोग बेहतर स्थिति में है, तो आप समझिए, आप लोग पढ़िए इतना तो, और जो भी अगर परेशानी है तो बताइए, मैं कोशिश करूंगा पूरा जवाब देने की आपको। ऐसा भी नहीं है कि 20वीं सदी में भी उत्पादन बढ़ाते जा रहे बुनकर व अन्य दस्तकारों को हमेशा फायदा ही हो रहा था। उनकी जिंदगी बहुत कठोर थी, उन्हें दिन रात काम करना पड़ता था, अक्सर पूरा परिवार, बच्चे, बूढ़े, औरतें उत्पादन के किसी न किसी काम में हाथ बढ़ाता था। लेकिन ये फैक्ट्रियों के युग में अतीत के अवशेष बाद नहीं थे, उनका जीवन श्रम औद्योगिकरण की प्रक्रिया का अभिन्न अंग थे। ये आप देख रहे हैं, भारत में बड़े पैमाने के उद्योग वाले इलाके 1931 की बात है। चित्र में बने गोले विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों के आकार को इंगित करते हैं। मद्रास हो गया, बंबई, मध्य भारत, ये बंगाल, यही सबसे ज्यादा देखे जाते थे।
समझ रहे हैं, बंबई और बंगाल आपने देखा है कि मुख्य है, वैसे ये संयुक्त प्रांत पंजाब, मध्य भारत, मध्य प्रांत, बिहार, मद्रास, ठीक है। अब बात करते हैं वस्तुओं के लिए बाजार। अब आप सब जानते हैं ना एक समय चीन का साथ अमेरिका क्यों देता था, क्योंकि आप जानते हैं कि चीन में सबसे ज्यादा जनसंख्या है और हर देश को जनसंख्या की जरूरत है, इसलिए है क्योंकि जो भी अगर उत्पादन कर रहे हैं आप लोग तो बाजार तो चाहिए उसके लिए, उत्पादन करके कुछ आप नहीं उखाड़ पाएंगे जब तक कि बाजार नहीं मिलता है। तो आज भी भारत के भारत में भी जनसंख्या काफी है और कहा जाता है 21वीं सदी जो है ये चीन मतलब एक तरह से एशिया की सदी मानी जाती है और विशेषकर भारत और चीन की। अगर भारत और चीन मिल जाए, एक दिशा में चलने लगे, मिलकर काम करने लगे, तो अमेरिका की कभी भी टक्कर दे सकती है, इतना कह सकता हूं। क्योंकि आपने देखा है जनसंख्या हम दोनों के पास बहुत ज्यादा है और इस समय आप सोचिए कि बाजारों में मतलब जनसंख्या ही चाहिए आगे बढ़ने के लिए, समझ रहे हैं। अगर आप कोई उद्योग धंधा चालू कर रहे हैं तो खरीददार तो चाहिए, तभी तो आपको फायदा होगा, आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये दोनों देशों में देखा जाता है, एशिया में वैसे भी आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या है और सबसे सस्ता श्रम भी मिल जाएगा आपको, तो आपको खर्च भी ज्यादा नहीं आएगा, बस आप मिलकर काम करिए। लेकिन आप देखते हैं एशिया में किस तरह की भिड़ंत है, या आपकी जग जागर उजागर है। हम देख चुके हैं कि किस तरह ब्रिटिश निर्माताओं ने भारतीय बाजार पर कब्जे के लिए प्रयास किया, किस तरह भारतीय बुनकरों व दस्तकारों, व्यापारियों व उद्योगपतियों ने उपनिवेशीकरण, निवेशक नियंत्रण का विरोध किया, आयात शुल्क सुरक्षा के लिए मांग उठाई, अपने लिए जगह बनाई और अपने माल के बाजार को फैलाने का प्रयास भी किया। याद रखिए 1947 के बाद कुछ ज्यादा ही स्थिति इनकी सुधरी व्यापारियों की, क्योंकि उस समय ये मांग भी उठाते थे तो कमी इनकी मांग मानी जाती थी, ठीक है। जब नई चीजें बनती हैं तो लोगों को उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित भी करना पड़ता है, लोगों को लगना चाहिए कि उन्हें उस उत्पाद की जरूरत है। इसके लिए क्या किया गया है, नए उपभोक्ता पैदा करने का एक तरीका विज्ञापनों का है। आज जो आप लोग विज्ञापन देखते हैं ना, जब भी आप कोई वीडियो भी देख रहे होते हैं तो उस पर भी आपने देखा है विज्ञापन आता है, जब आप कोई साइट खोलते हैं तो उस पर भी विज्ञापन आपको दिखाई देता है, तो इसी तरह की बात की जा रही है। और याद रखिए मुझे लगता है कि आजकल इन विज्ञापनों का बहुत कुछ महत्व हो चुका है, एक तरह से हर तबके तक पहुंचने के लिए ये भी माध्यम अच्छा है। आज आप देख रहे हैं कि कॉफी वो लोग भी पी रहे हैं, गाँव के लोग भी कॉफी पी रहे हैं, समझ रहे हैं। एक समय वहां कुछ नहीं इस तरह की व्यवस्था हुआ करती थी। जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञापन विभिन्न उत्पादों को जरूरी और वांछनीय बना लेते हैं, वे लोगों को सोच बदल देते हैं और नई जरूरतें पैदा करते हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां चारों तरफ विज्ञापन छाए हुए, अखबारों, पत्रिकाओं, होर्डिंग्स, दीवारों, टेलीविजन के पर्दे पर सब जगह विज्ञापन छाए हुए हैं। लेकिन अगर हम इतिहास में पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि उद्योगीकरण की शुरुआत से ही विज्ञापनों ने विभिन्न उत्पादों के बाजार को फैलाने में और एक नई उपभोक्ता संस्कृति रचने में अपनी भूमिका निभाई है। अब सोचिए, आप लोग ही सोचिए कि वो क्या होता है कि क्रीम, कभी आपने देखा होगा कि जिनके पति खुद काले पड़े हुए वो भी आजकल इसका ऐड कर रहे हैं कि गोरे बनिए, समझ रहे हैं। इसमें मेरी माँ का बड़ा इंटरेस्ट है इस तरह की चीजें, अगर उन्हें टीवी पर रामायण में कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिल जाए कि भगवान के लिए मानने के लिए, तो मतलब बड़ी उनकी भावना है भगवान में, तो वो तुरंत उसे खरीदने के लिए कहेंगी। अगर कोई भगवान कोई इस तरह के जो कथा करते रहते हैं उन्होंने कोई उत्पाद बता दिया तो वो तुरंत खरीदने के लिए बता देंगे, अरे ये ऑर्डर करिए। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब उनकी भी दिलचस्पी बढ़ जाती है इस तरह की, अगर कोई ऑर्डर आते हैं तो, समझ। एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ग्राइप वॉटर का कैलेंडर, एम बी धुरंधर का चित्र 1928 का, बच्चों की चीजों पर प्रचार करने के लिए बालकृष्ण की छवि का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने बाबा रामदेव का नमक देख रहा था, किसी ने बताया कि अच्छा है, पता है उसमें लिखा था प्रोडक्ट पर जो भी उस पर होता है, आप नहीं देखते हैं की तरह कि 100 सालों में बनाया हुआ, 100 साल पुराना उद्योगी मतलब आयुर्वेद से बनाया हुआ, उस पर आप एक्सपायरी डेट की बात करें तो आप 1 साल यानी कि 2020 दी गई है लास्ट तक। आप समझ सकते हैं मतलब किस तरह से एक तरह से रुझाने के लिए कितना विज्ञापन दिया जाता है। बाबा ठीक है, अच्छा मिलता है मंजर, मैं भी यूज करता हूँ उसका मंजर, लेकिन एक बात याद रखिए बाबा बहुत बड़ा व्यापारी है। मैं बुराई किसी की नहीं कर रहा हूं, बाबा जी ने कहा कि आप लोग योगा करिए, हम सब योगा करने लगे, वो व्यापार करने लगे। आज देखिए आप लोग सब व्यापार के मामले में कुछ बहुत बड़ा व्यापारी बन चुके हैं। जब मैंने
मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया था तो वे कपड़ों के बंडलों पर लेबल लगाते थे। लेबल का फायदा यह होता था कि खरीदारों को कंपनी का नाम व उत्पादन की जगह पता चल जाती थी। लेबल की चीजों की गुणवत्ता का प्रतीक थी। जब किसी लेबल पर मोटे अक्षरों में मेड इन मैनचेस्टर लिखा दिखाई देता तो खरीदारों को कपड़ा खरीदने में किसी तरह का डर नहीं रहता था। आज भी तो आप लोग देखते हैं, आप भी बताते हैं कि देखिए मैं ब्रांडेड चीज पहने हुआ, ब्रांडेड घड़ी पहने हुआ, ब्रांडेड कपड़ा पहने हुआ, तो इसका भी आकर्षण बढ़ता है। और याद रखिए मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, देखिए सबका अपना अपना काम है, अपना अपना काम व्यापार चला रहे हैं। लेकिन अभी तुमने कोरोना के टाइम में देखा है कि बाबा जी ने एक प्रोडक्ट लाए, बोला कि वो कोरोना की महामारी के लिए दवाई है। याद रखिए, मैं बताता हूँ आपको एक बात, ऐसे कभी अपने जीवन में आजमाइए, गिलोय, तुलसी का पत्ता और काली मिर्च आती है, और हो सके तो जो अदरक आता है इसे आप लोग कूट के, जो उसकी बौलार होती है गिलोय की, उसे कूट कर आप लोग गर्म करिए, उसे इतना तपाइए कि छोटा सा गिलास में मतलब एक दो घूंट के लिए रहे, पानी रह जाए, इतना कड़वा हो जाए कि आप लोग मतलब समझिए कि पीने में भी दिक्कत हो, उसे पीजिए। आप सर्दी हो, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, पीते रहिए, आप लोग डेली भी पी सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा। तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। और आपने सुना होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले कहीं आर्टिकल आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि दो मरीज हुए, दो लोगों को बुखार आया, एक को ग्लूकोज में मतलब कैप्सूल में ग्लूकोज भर के दिया गया, दूसरे को दवाई दी गई, दोनों मरीज ठीक हो गए। तो आपके दिमाग में सही होना गलत होना आपके दिमाग में रहता है। अगर आप सोचिए कि आप ही भी जानते हैं कि आपको लगता है कि हम सिविल सर्विस पास नहीं कर सकते, हम नहीं बन सकते आईएएस, तो उसी दिन आप हार जाते हैं असल में। अगर आप सोचते हैं कि हार है फिर भी आप लड़ रहे हैं तो आप सबसे भूल जाते हैं। तो ये हमारे दिमाग में रहती है। अगर हमें मालूम चल जाता है कि बीमारी है तो हम और जल्दी मर जाते हैं। और आप भी तो जान रहे हैं कि जब अमित शाह साहब निपट गए, उन्हें भी कोरोना हो गया, कई राज्यों के सीएम भी निपट गए, कई बड़ी बड़ी हस्तियां निपट चुकी हैं। तो सोचिए गरीब तो जो भीख मांग रहे हैं वो तो रोड पर जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें नहीं हुआ, हुआ होगा लेकिन उन्होंने अपने दिमाग पर हावी नहीं होने दिया उसे, और उन्होंने हरा दिया उसे, समझ रहे हैं आप लोग। तो यही आपकी दिमागी क्षमता तेज होनी चाहिए, प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं इसे आप लोग, ठीक है। तो ये हाल है, बाबा भी ने भी यही किया, बाबा की जो दवाई आई हुई थी उसमें नुकसान कुछ नहीं होता आपको, लेकिन उन्होंने इसीलिए बनाया कि कम से कम आपका दिल जीत सके, ठीक है। आप देखिए उस समय कितने अच्छे नक्काशी किया करते होंगे, चित्र 26 का को देखिए और चित्र 26 खा को देखिए। चित्र 26 का मैनचेस्टर की लेबल 20वीं सदी का प्रारंभ की है, ठीक है। आयातित कपड़ों के लेबलों पर असंख्य भारतीय देवी देवताओं कार्तिक, लक्ष्मी, सरस्वती को चित्रित किया जाता था, जो संबंधित वस्तु की गुणवत्ता को दर्शाने का प्रयास था। और याद रखिए भारत सबसे ज्यादा उस समय का आयातक भी था, इसलिए कुछ ज्यादा ही इस तरह के चित्र बनाए जाते थे। चित्र 26 खाबो देख रहे होंगे, मैनचेस्टर के लेबल पर महाराजा रणजीत सिंह का चित्र, उत्पाद के प्रति सम्मान पैदा करने हेतु ऐतिहासिक व्यक्तियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप समझिए कि हमने व्यापार चलाने के लिए, यूरोप को आगे बढ़ने के लिए हमारी पूरी मदद, हमारे यहाँ के देवी देवता, हमारे यहाँ के जो महान लोग हुए, जो भी स्वतंत्रता सेनानी है या फिर जो भी राजा महाराजा हुए, उनका सहायता लेना पड़ रहा है। तो आज अपने देश पर गर्व किया करिएगा, हम लोग कोई छोटे छोटे देश के लोग नहीं है। और आज जो लोग आपसे कहते हैं कि देश को बचाने की बात करते हैं, उन्हें बता दिया करिएगा कि किसी की औकात नहीं है कि जो हमारे देश को मिटा सके। हजारों साल से आज भी हमारा भारत है और रहेगा, और आने वाले समय तक रहेगा जब तक धरती है, समझ रहे। आप समझिए दो ढाई हजार साल पहले भी तो आप लोग देखते हैं गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी को, तब उन्होंने कहानी पूरी बता दी, राजनीति क्या होती है, अहिंसा क्या होता है, क्या करना चाहिए अर्थशास्त्र के लिए, विद्वानी के लिए क्या क्या करना चाहिए। चाणक्य जैसा आप देख सकते हैं, राजनीतिक विद्वान, अर्थशास्त्री, हर क्षेत्र में महानता हासिल किए हुए। आज जो हम विदेश नीतियां बनाते हैं उसमें भी आप देखते थे, उस समय भी ये विदेश नीति बनाते थे। समझ सकते हैं आप लोग कि विद्वानों की कोई कमी नहीं रही है, बस दोगलों की भी कोई कमी नहीं रही है। कि यानी कि आज भी आप देखते हैं कि देश में अगर कोई सही भी काम कर रहा है तो दोगलों की भी कमी नहीं उसमें। आप देखिए कि सूचना का अधिकार मिला हुआ है हमें, लोकपाल भी मिला हुआ है। एक सोचिए कि एक बूढ़े आदमी ने प्रयास किया तब जाके मिला हुआ है, और हम युवा क्या कर रहे हैं, ताली बजाते हैं,
एक जिंदा लाश बनकर देखते रहते तमाशा। चलिए खैर छोड़िए, क्या फर्क पड़ता है, जगाने वाला कोई हो अच्छे से तब तो जागे, जगाने से क्या फर्क पड़ता है जब खुद ना सोचूं कुछ। आगे लेबलों पर सिर्फ शब्द और अक्षर नहीं होते थे, उन पर तस्वीर भी बनी होती थी जो अक्सर बहुत सुंदर होती थी। आज भी तो आप लोग पायली ही के बिस्किट पर देखते हैं, आज भी वही बच्चा बना हुआ है जो हम लोग बचपन से देखते आए हैं। अगर हम पुराने लेबलों को देखें तो उनके निर्माताओं की सोच, उनके हिसाब किताब और लोगों को आकर्षित करने उनके तरीकों का अंदाजा लगाया जा सकते हैं। इन लेबलों पर भारतीय देवताओं की तस्वीरें प्राय होती थी। देवी देवताओं की तस्वीर के बहाने निर्माता ये दिखाने की कोशिश करते थे कि ईश्वर भी चाहता है कि उन लोग की लोग उस चीज को खरीदें। कृष्ण या सरस्वती की तस्वीर का फायदा ये होता था कि विदेशों में बनी चीज भी भारतीयों को जानी पहचानी सी लगती थी और भारतीय इसे खरीदते भी थे। 19वीं सदी के आखिर में निर्माता भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए कैलेंडर छपवाने लगे, अखबारों पत्रिकाओं को तो वो पढ़े लिखे लोग हैं ही समझ सकते थे, लेकिन कैलेंडर उनकी भी समझ में आ जाते थे जो पढ़ नहीं सकते थे। चाय की दुकानों, दफ्तरों, मध्यवर्गीय घरों में एक कैलेंडर लटके रहते थे। जो इन कैलेंडरों को लगाते थे वे विज्ञापन को भी हर रोज पूरे साल देखते थे। इन कैलेंडरों में भी नए उत्पादों को बेचने के लिए देवताओं की तस्वीर होती थी। आज भी आप सीमेंट देखते हैं, कई तरह की इस तरह की प्रोडक्ट देखेंगे, उस पर भी आपको भगवान की तस्वीर मिल जाएगी। कहा है ना किसी ने कि आजकल भगवान भी ऐड करके बेच रहे हैं, चाय पत्ती को देखिए किसी को या कॉफी को देखिए, भगवान मतलब प्रचार में लगे हुए हैं, इतना हमारी संस्कृति को मतलब गिरा रहे हैं भगवान का सहारा लेकर। इस तरह सनलाइट, आप लोग कई तरह की अगरबत्ती भी देखते हैं, उन पर भी इस तरह के ऐड मिल जाएंगे। सनलाइट साबुन का कैलेंडर 1934, यहाँ भगवान विष्णु आसमान में रोशनी लाते दिखाई दे रहे हैं, समझिए भगवान को भी नहीं छोड़ा है। देवताओं की तस्वीर की तरह महत्वपूर्ण व्यक्तियों, सम्राटों या नवाबों की तस्वीर भी विज्ञापन व कैलेंडरों में खूब इस्तेमाल होती थी। इनका संदेश अक्सर यह होता था कि अगर आप इस शाही व्यक्ति का सम्मान करते हो तो इस उत्पाद का भी सम्मान कीजिए, अगर इस उत्पाद को राजा इस्तेमाल करते हैं और उसे शाही निर्देश से बनाया गया है तो उसकी गुणवत्ता पर भी सवाल नहीं किया जा सकता है, फिर चाहे क्वालिटी कुछ भी रहे। जब भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापन बनाए तो उनमें राष्ट्रवादी संदेश साफ दिखाई देता था। इनका आशय यह था कि अगर आप राष्ट्र की परवाह करते हैं तो उन चीजों को खरीदिए जिन्हें भारतीयों ने बनाया है। ये विज्ञापन स्वदेशी के राष्ट्रवादी संदेश के वाहक बन गए। ये आप दिख रहे हैं, एक भारतीय मिल में बने कपड़े का लेबल है, भारत माता है हमारी। एक देवी अहमदाबाद के मिल में बना कपड़ा दान कर रही है और लोगों से भारत में बने कपड़े के इस्तेमाल कहान भी करें। आप भी तो आज कहते हैं भारत माता, हमारी भारत माता। लास्ट में क्या कह सकते हैं कि जाहिर है कि उद्योगों के युग में बड़े बड़े उद्योगिक प्रौद्योगिकीय बदलाव आए, फैक्ट्रियों का उदय भी हुआ, नई औद्योगिक संपत्ति अस्तित्व में आई, लेकिन जैसा कि आपने देखा है कि इस युग में हाथ से बनने वाली चीजें और छोटे पैमाने का उत्पादन भी औद्योगिक भूदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। चित्र एक और चित्र को दोबारा को देख सकते हैं। अब आप बताइए ये छवियां क्या दर्शाती हैं, उसी की बात की जा रही है। शुरू में आपको चित्र दिखाए गए थे, आप लोग पढ़ते रहिए और ये आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसकी पीडीएफ पहले ही बता चुका हूँ कि टेलीग्राम पर डाल दी गई है, वहां से डाउनलोड करके आराम से बैठ के आप लोग देख सकते हैं जो भी चित्र आपको देखना है। तो ये था आपका चौथा चैप्टर औद्योगीकरण का युग। अब लास्ट चैप्टर बचता है आपका मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, इसके बारे में हम लोग खत्म करने के बाद साइंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं तो इसी चैप्टर के साथ।